हमारा जो आज का चैप्टर है बच्चे लेबर लॉ का, उसका नाम है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ये 25 मार्च 1926 को आया था, प्लस होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। हमारे चैप्टर का नाम है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, 25 मार्च 1926 को आया था, होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी, इतनी बात तो हमें समझ आ गई कि एक्ट कब आया था और कहां कहां अप्लाई होता है। सर ये ट्रेड यूनियन एक्ट ये है क्या? ट्रेड यूनियन एक्ट क्या होता है? ट्रेड यूनियन का मतलब क्या होता है? आपको पता है आपने पहली बार ट्रेड यूनियन एक्ट या ट्रेड यूनियन वर्ड कब सुना था? फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर, कंपनी लॉ के अंदर। सर कंपनी लॉ में हमने ट्रेड यूनियन कहां सुना था? याद करो, आप लोगों ने पढ़ा था एक चैप्टर मेंबरशिप, जिसमें पढ़ा था कि कौन कौन कंपनी का मेंबर बन सकता है। पढ़ा था बच्चे, उसके अंदर पढ़ा था क्या ट्रेड यूनियन कंपनी की मेंबर बन सकती है या नहीं बन सकती। उसमें पढ़ाया जाता है ट्रेड यूनियन मेंबर बन सकती है, मतलब ट्रेड यूनियन भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है अगर वो ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है तो। याद आ रही है बात सबको? तो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ऐसी ट्रेड यूनियन जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंदर रजिस्टर्ड है, यस वो ट्रेड यूनियन जो है वो कंपनी की मेंबर बन सकती है। याद रहेगी बात? पता है एक्चुअली कंपनी लॉ में क्या लिखा था? कंपनी लॉ में लिखा था वही ट्रेड यूनियन कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। याद रहेगी बात? सॉरी, और सेपरेट लीगल एंटिटी किस ट्रेड यूनियन की होगी? जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है। सिंपल सी बात है। सो सर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 क्या करता है? ये एक एक्ट है जो प्रोवाइड करता है कि कोई भी ट्रेड यूनियन इस एक्ट में रजिस्टर होगी। भाई जैसे ट्रस्ट ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर होती है, सोसाइटी सोसाइटीज एक्ट 1860 में रजिस्टर होती है, कंपनी कंपनीज एक्ट में, एलएलपी एलएलपी एक्ट में, तो ट्रेड यूनियन भी किस एक्ट में रजिस्टर होगी? ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में रजिस्टर होगी। चलो सर ये बात तो हमें समझ आ गई, लेकिन एक्चुअली ये होती क्या है? अगर हमसे कोई पूछे तो मैं बोलूंगा भाई ट्रेड यूनियन एक बॉडी है जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में रजिस्टर होती है। और ये आया कब था कानून? ये आया था 25 मार्च 1926 को। कहां एप्लीकेबल होता है? होल ऑफ इंडिया पे इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी, अब यहां पर बात यह आती है कि सर हम बात करें ट्रेड यूनियन, ये एक्ट ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया। सर ट्रेड यूनियन एक्चुअली में क्या होता है? कभी अगर आप लोगों ने देखा हो तो कहीं जगह पे ऐसे लिखा होता है, देखो जैसे ऐसे लिखा होता है REGD.registered लिखा होता है, लिखा होता है। और कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है, ऐसे भी लिखा होता है, कोई एसोसिएशन का नाम लिखा होता है, कभी लिखा होता है ब्रैकेट में रजिस्टर्ड, कभी लिखा होता है एफिलेटेड टू सो एंड सो, ये लिखा होता है। सर ये रजिस्टर्ड और एफिलेटेड टू होता क्या? सुनिए, सबसे पहले हमें तीन बातें जाननी है, हमारे माइंड में तीन क्वेश्चन आने चाहिए। वो तीन क्वेश्चन क्या है? सर पहली बात ट्रेड यूनियन होता क्या, दूसरी बात ये रजिस्ट्रेशन का क्या चक्कर है, तीसरी बात ये एफिलिएशन का क्या चक्कर। ठीक है जी, अब बड़े ध्यान से देखते हैं। लॉ में बोला गया है, इस एक्ट में बोला गया है कि ट्रेड यूनियन मतलब यूनियन ऑफ एम्प्लॉयर्स, यूनियन ऑफ एम्प्लॉयज, यूनियन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज बोथ। याद रखिए ये बात, हमारे माइंड में पता है ट्रेड यूनियन को लेके क्या चलता है? हमने कभी मूवीज देखी हुई है, एक मूवी देखी थी मैंने जिसका नाम था लाडला, लाडला करके एक मूवी थी, श्रीदेवी जो होती है वो ओनर होती है, उनका हस्बैंड जो है वो उसी लेबर लेबर क्लास का बंदा होता है, अनिल कपूर साहब, देखिए बचपन में। उस मूवी में दिखाया है कि श्रीदेवी बड़ी प्राउडी है और जो श्रीदेवी है उन्हीं की फैक्ट्री का लेबर होता है, उससे उनकी शादी हो जाती है, राइट। अभी उसमें मूवी में ये दिखाया कि वो अपने लेबर यूनियन, बोलता है मेरे मजदूर भाइयों का शेयर है तुम्हारी कंपनी में। इसका मतलब क्या है कि हमारी लेबर यूनियन ने आपकी अपनी ही कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, तो इसका मतलब वो वाली लेबर यूनियन कौन सी होगी? रजिस्टर्ड होगी, तभी तो खरीदे होंगे ना। अभी मैंने आपको बताया जब तक अनरजिस्टर्ड बॉडी है तब तक वो कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट
नहीं कर सकती, राइट। हमें एक्चुअली ऐसा लगता है कि ट्रेड यूनियन मतलब लेबर यूनियन, ऐसा नहीं है। लेबर की भी यूनियन होती है, लेबर और एम्प्लॉयर की भी होती है, और सारे एम्प्लॉयर्स की भी हो सकती है। प्रैक्टिकली बात करते हैं हम, देखिए मान लो इंडिया में लाखों टीचर्स है, सबकी एक एसोसिएशन होगी, ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन। अब उसमें टीचर आएंगे ना, टेंट वालों की एसोसिएशन है आयटा, ऑल इंडिया टेंट एसोसिएशन। बार्बर्स की है आयबा, ऑल इंडिया बार्बर एसोसिएशन। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जरूरी नहीं है कि यूनियन सिर्फ लेबर की होती है, मालिकों की भी यूनियन होती है। ऑल इंडिया में जितने भी पर्टिकुलर बिजनेसमैन है वो अपनी एक एसोसिएशन या यूनियन बनाते हैं। कभी पिक्चरों में देखा आपने, मूवीज में क्या होता है, दिखाते हैं कि कोई बहुत अमीर बिजनेसमैन है और आज कोई इलेक्शन चल रहे हैं, बोर्ड मीटिंग चल रही है, तो मूवीज में दिखाते हैं कि वोटिंग किसको मिली है, पता चलता है जी उसके राइवल जो है उसको आज इलेक्ट कर लिया नया चेयरपर्सन एसोसिएशन ने। मूवीज में कई बार दिखाया कि अपनी सीट से उठता है, वो अपनी सीट से उठता है, फिर वो ऐसे क्रॉस हो जाती है सीट। देखा कभी मूवीज में ऐसा पिक्चरों में पुराने जमाने की दिखाया करते थे, जितेंद्र एंड शत्रुघ्न सिन्हा साहब, अक्षय कुमार, अमरीश पुरी साहब, उनमें दिखाया जाता था मूवीज में कि ऑल इंडिया लेवल्स पे जितनी भी एसोसिएशंस बनती हैं, हम उन एसोसिएशंस को रजिस्टर कराते हैं किस एक्ट के अंदर, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंदर। ये चीज याद रहेगी हमें, डन, कोई डाउट इसके अंदर। अब सुनिए सर, ट्रेड यूनियन से होता क्या है। ट्रेड यूनियन से अच्छी बात ये होती है कि जब ट्रेड यूनियन आप बनाते हो तो उसके अंदर मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स पे रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं उन ट्रेड यूनियन के। ट्रेड यूनियन एक बायलॉज बनाती है ना, ट्रेड यूनियन एक बॉडी है जिसने क्या करा, बायलॉज बना दिए, और जो भी उसका मेंबर है उसको वो बायलॉज फॉलो करने पड़ेंगे, हाँ या ना। प्रैक्टिकली बात करते हैं, ज्यादातर जो नाई होते हैं, ज्यादातर जो सिलोन वाले होते हैं, वो मुस्लिम होते हैं, हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा डे कौन सा होता है, फ्राइडे, जुम्मे का दिन, राइट। लेकिन वो फ्राइडे वाले दिन छुट्टी रखते हैं, ट्यूजडे वाले दिन, कहां लिखा है ये, आईबा ट्रेड यूनियन का रूल है, तो क्योंकि ये उस ट्रेड यूनियन का लॉ है और आप उस ट्रेड यूनियन के मेंबर हो तो आपको वो लॉ फॉलो करना पड़ेगा। समझ आ गई ये बात हमें, याद रहेगा। अब अमित बोरा मान लो ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन का मेंबर नहीं है, मैं उसका मेंबर नहीं हूं, तो वो वाले बायलॉज मेरे पे अप्लाई नहीं होते। द मोमेंट मैं उनका मेंबर बन जाऊंगा तो मुझे भी वो लॉ फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज हमें समझ आई कि ट्रेड यूनियन एक एसोसिएशन होती है, और ये एसोसिएशन जरूरी नहीं है कि ये एसोसिएशन खाली एम्प्लॉयर्स की हो या खाली एम्प्लॉयज की हो, दोनों की हो सकती है, मतलब एम्प्लॉयर्स की भी हो सकती है और एम्प्लॉयज की भी हो सकती है। ये चीज याद रहेगी, डन सर। ट्रेड यूनियन क्या होता है, एक एसोसिएशन होता है, एक ग्रुप होता है, किसका होता है, या मालिक लोग मिलकर बनाते हैं या लेबर लोग मिलकर बनाते हैं, डन। अब देखिए सर, इसकी रजिस्ट्रेशन का क्या चक्कर है भाई, जब तक आप इसको रजिस्टर नहीं करवाओगे तब तक ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बनेगी, हाँ या ना, राइट। तब तक इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा, और बॉडी कॉर्पोरेट के चार कंडीशंस होती हैं, बताएं आपको। इधर देखिए, रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या हैं इसके, पहली बात सेपरेट लीगल एंटिटी, दूसरी बात परपेचुअल सक्सेशन, एक आधा मेंबर मर गया तो ट्रेड यूनियन खत्म थोड़ी हो जाएगी, राइट। तीसरी बात कैपेसिटी ऑफ बीइंग सीड एंड सीयू, चौथी बात रजिस्टर्ड अंडर एनी एक्ट। इधर देखिए, जब भी कोई बॉडी कॉर्पोरेट, हम बोलते हैं ना बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट एक ऐसी बॉडी होती है जो चार कंडीशंस को पूरा करती है। पहली बात वो किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, दूसरी बात उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होनी चाहिए, तीसरी बात उसका परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, परपेचुअल सक्सेशन पता ना, कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस, हम मर गए तो आईसीएसआई बंद थोड़ी हो जाएगा, राइट। एंड कैपेसिटी ऑफ बीइंग सीड एंड सीयू, तो इसका मतलब ट्रेड यूनियन जैसे ही रजिस्टर करा लेती है उसको भी ये चारों चीजें मिल जाती है, मतलब ट्रेड यूनियन भी किसकी डेफिनेशन में आ जाती है, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आ जाती है, क्लियर है ये बात। और देखिए यहां पे कह रहा है एफिलिएशन, सर ये एफिलिएशन का क्या चक्कर है सुनिए, क्या ऐसा हो सकता है कि ऑल इंडिया बार्बर एसोसिएशन कोई एक बहुत बड़ी ट्रेड यूनियन हो या ट्रेड एसोसिएशन हो सकता है ऐसा। अब इसी के अंडर हमने एक बनाई दिल्ली बार्बर एसोसिएशन, ठीक है, अब दिल्ली बार्बर एसोसिएशन बनाई हमने, और अब हो सकता है रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, लेकिन क्या दिल्ली बार्बर एसोसिएशन ऑल इंडिया बार्बर एसोसिएशन के अंडर ही एफिलिएटेड होगी, यस एफिलिएटेड होगी। तो एफिलिएशन का मतलब हो गया कि हमारी ट्रेड यूनियन छोटी है और हमारी ट्रेड यूनियन किसी और बड़ी ट्रेड यूनियन है उससे रिलेटेड है, समझ आ रही है ये बात। आई रिपीट, हमने एक ट्रेड यूनियन बनाई, ऑलरेडी कोई और ट्रेड यूनियन चल रही है, हमारी ट्रेड यूनियन उसी ट्रेड यूनियन का सब सेगमेंट है, जब सब सेगमेंट छोटा सेगमेंट हो जाता है तो क्या हो जाता है, एफिलिएशन, याद रहेगा बच्चे, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा से समझो इस एग्जांपल को,
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक देखिएगा पूरी बात, मैं ये कहना चाह रहा हूं ऑल इंडिया बार्बर्स एसोसिएशन, क्लियर है जी, ब्रैकेट में REGD, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑल इंडिया बार्बर एसोसिएशन है, मतलब ये ट्रेड यूनियन है जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, डन। अब मैं कह रहा हूं जी दिल्ली बार्बर एसोसिएशन, ठीक है जी, राइट, ब्रैकेट में लिखा होगा REGD, इसका मतलब क्या है, ये भी रजिस्टर्ड है किसमें, इस एक्ट के अंदर, और साथ में लिखा होगा इसके नीचे लाइन एफिलिएटेड बाय आयबा, ऐसे लिखा होगा इसमें, इसका मतलब क्या है कि जी हम एक, हमने एक एसोसिएशन बनाई है दिल्ली बार्बर एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड है, और हम किससे रिलेटेड है, आयबा से, इसका मतलब क्या हुआ, अब इधर सुनिए ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली बार्बर एसोसिएशन का जो मेंबर होगा, इसका जो मेंबर होगा DBA का जो मेंबर होगा, इसको DBA प्लस आयबा दोनों के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, समझ आ रही है बात में क्या बोल रहा हूं, क्लियर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आप एक एसोसिएशन या ट्रेड यूनियन बनाते हो, या तो वो रजिस्टर्ड होती है या अनरजिस्टर्ड होती है, अनरजिस्टर्ड है फिर तो इस एक्ट में कवर ही नहीं होगी, रजिस्टर्ड है तो इस एक्ट में कवर होगी, राइट। और सर रजिस्टर्ड है तो उसके नाम के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा होगा, REGD.Registered लिखा होगा। और सर रजिस्टर्ड और एफिलिएशन में फर्क क्या होता है, हम रजिस्टर्ड गवर्नमेंट के पास होते हैं इस एक्ट में, और एफिलिएशन हम किसी और बड़ी ट्रेड यूनियन के पास होते हैं, याद रहेगी बात, कोई डाउट अब इसके अंदर, जवाब दो प्लीज, कोई क्वेरी। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 कब आया था, 25 मार्च 1926 को, कहां एप्लीकेबल होता है, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सर ट्रेड यूनियन क्या होती है, लेबर की भी होती है और मालिकों की भी होती है। सर ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड होती है, यस, बिना रजिस्ट्रेशन के, वो अनरजिस्टर्ड होगी तो इस एक्ट में कवर ही नहीं होगी, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट क्या है, वो बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाएगी, और बॉडी कॉर्पोरेट मानते ही उसको चार कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे, इस एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है इसलिए वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, कैपेसिटी ऑफ बीइंग स्यूड एंड स्यू है। चलो सर इतना तो हमें समझ आ गया। एफिलिएशन का क्या चक्कर होता है जी, एफिलिएशन का मतलब होता है कि आप किसी और बड़ी ट्रेड यूनियन है उससे एफिलिएटेड हो, मतलब आपने उससे रिलेटेड हो, मतलब आपके जो मेंबर्स हैं उनको आपकी ट्रेड यूनियन के तो फॉलो करने ही करने हैं रूल्स, इसके अलावा जिससे एफिलिएटेड हो उसके भी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। चले आगे, डन। सर किसके पास एफिलिएट होते हैं पता है, एक बॉडी होती है जिसका नाम होता है AITUO, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। इसके बाद ज्यादातर एसोसिएशन जो है या ट्रेड यूनियन जो है वो एफिलिएशन लेती है, याद रहेगी बात। चलें आगे, डन। रिया जी समझ आ गई कहानी, एफिलिएशन किसके पास होती है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन या किसी और ट्रेड यूनियन के पास। रजिस्ट्रेशन किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास, कौन से एक्ट में, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में, डन। क्या एक ट्रेड यूनियन कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है, अगर रजिस्टर्ड है तो, अनरजिस्टर्ड है तो नहीं खरीद सकती, डन। अब देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले बच्चे इसको देखते हैं, देखिए कह रहा है सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन, राइट। इधर देखिएगा बच्चे, सबसे पहले मैं जैसे जैसे बोलूंगा वैसे बढ़ेंगे, देखिए एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ये बात समझ आ गई, यही बताया था मैंने आपको कि ये एक्ट पूरे इंडिया में अप्लाई होता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। एप्लीकेबल टू एम्प्लॉयज एसोसिएशन एज वेल एज एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन, हाँ या ना। अच्छा एक चीज बताओ, जब ये रजिस्टर्ड होगी तो इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाएगी, देखो लिखा है इट गिव्स लीगल एंड कॉर्पोरेट स्टेटस टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। अगर कोई ट्रेड यूनियन इस एक्ट में रजिस्टर हो जाती है तो उसको लीगल और कॉर्पोरेट स्टेटस, मतलब कॉर्पोरेट स्टेटस मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, और लीगल मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाएगी, डन। अच्छा एक चीज बताओ, अगर कोई ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके मेंबर्स पर्सनली लाइबल होंगे, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड है तो फिर जो भी केस चलेगा उस ट्रेड यूनियन के नाम पे चलेगा, हाँ या ना, सही बोल रहे हैं हम लोग, ये बात सही है ना। अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होंगी तो मेंबर्स पर्सनली लाइबल होंगे, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होगी तो केस किस पे चलेगा, उस ट्रेड यूनियन पे चलेगा। तो देखिए यहां पे क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन फ्रॉम सिविल और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, क्या मतलब है इसका, यहां पे हम लिखेंगे साथ में, लिखिए सूट्स अगेंस्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन नॉट इन द नेम ऑफ मेंबर्स, सूट्स अगेंस्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन नॉट इन द नेम ऑफ मेंबर्स, ठीक है जी। जितने भी केस होंगे वो उसकी खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी है उस पे होंगे, डन, क्लियर है।
अच्छा एक बात बताइए, जब कोई ट्रेड यूनियन इस एक्ट में रजिस्टर्ड हो जाएगी तो क्या उसके राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज सब कुछ इस एक्ट से गवर्न होगा, हाँ या ना? तो कह रहे जी दिस एक्ट डील्स विद रजिस्ट्रेशन, राइट्स, लाइबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसके? कोऑपरेटिव सोसाइटी के या ट्रेड यूनियन के? भाई ट्रेड यूनियन एक्ट पढ़ रहे हो तो ट्रेड यूनियन के, सिंपल सी बात है, डन। तो ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर 4, ये हुआ पॉइंट नंबर 5। अच्छा एक चीज बताइए, एक ट्रेड यूनियन जब हम बनाएंगे तो आपको नहीं लगता उसकी कोई क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअली कोई मेंबरशिप फीस होगी? और क्या वो फीस वगैरह हम ट्रेड यूनियन को नहीं देंगे? क्या ट्रेड यूनियन हमारे मेंबर्स के भले के लिए खर्चा नहीं करती होगी? करती होगी ना, कभी तो 6 महीने साल में मीटिंग भी रखती होगी, होटल्स में खाना पीना भी होता होगा। तो कहते हैं जी ट्रेड यूनियन एक्ट में अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हो, इसका मतलब है ट्रेड यूनियन की फंडिंग आपके पास आ गई, ट्रेड यूनियन का पैसा आ गया। ट्रेड यूनियन जब रजिस्टर्ड होती है तो कहता है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो मेंबर्स के फंड्स का पूरा ध्यान रखती है, वो प्रॉपर ध्यान रखती है कहां से फंड आ रहा है और कहां उस फंड को यूटिलाइज करना है, सिंपल सी बात है। कह रहे जी इट इंश्योर्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कौन सा फंड? जो कि मेंबर्स ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, जो कि मेंबर्स ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। आप इसको मेंबर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कह लो, आप इसको मेंबर्स सब्सक्रिप्शन कह लो, एक ही बात है, क्लियर है ये बात हमें, डन। तो यहां पे हमें इतनी बात समझ आ गई। इधर देखिए ऑल ऑफ यू, चैप्टर का नाम क्या है? ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। लाउडली बोलेंगे, क्या नाम है? ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। कब आया था? 25 मार्च 1926 को। कहां अप्लाई होता है? होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये बात समझ आ गई। सर पहली बात, क्या ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन, क्लियर है। रजिस्ट्रेशन का फायदा क्या होता है सर? इसको सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती है, बॉडी कॉर्पोरेट का स्टेटस मिल जाता है, कैपेसिटी ऑफ बीइंग सीड एंड सी हो जाती है। इस एक्ट में रजिस्टर होने के बाद ये एक्ट क्या बताता है? आपके राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज, ये सब बताता है, डन। अच्छा कहते हैं जी ये एम्प्लॉयज की एसोसिएशन होती है या एम्प्लॉयर्स भी बना सकते हैं? सर एम्प्लॉयज भी अपनी एसोसिएशन बना सकते हैं और एम्प्लॉयर्स भी बना सकते हैं। इंडिया के बाहर जो ट्रेड यूनियन लॉ है ना, वो कहता है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मिलकर भी बना सकते हैं, पर इंडिया में नहीं है। इंडिया में या तो सिर्फ एम्प्लॉयज की होती है या सिर्फ एम्प्लॉयर्स की होती है, याद रहेगा। सर एक बार आपने एसोसिएशन बना ली तो इसका फायदा क्या कि मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो पर्सनली लाइबल नहीं होंगे, आउटसाइडर्स ट्रेड यूनियन के नाम पे केस करेंगे, डन, क्लियर है जी सबको। और ट्रेड यूनियन का जो फंड्स आते हैं, फंड्स कहां से आते हैं? जो उसके मेंबर्स हैं उसकी सब्सक्रिप्शन फीस आती है, राइट। उसको कहां यूटिलाइज किया जाए ये भी ध्यान कौन रखती है? ट्रेड यूनियन रखती है। अच्छा आप एक चीज बताओ, ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्टिव आप बताओ, ये ट्रेड यूनियन प्रॉफिट मेकिंग के लिए बनाई जाती होगी या लोगों को रेगुलेट करने के लिए? रेगुलेट करने के लिए। प्रॉफिट मेकिंग तो नहीं है, इसका मतलब इसमें भी इलेक्शन वगैरह होते होंगे, जैसे वो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट होता है सब कुछ सोसाइटी का वैसे ही होता होगा, राइट। देखिए क्या कह रहा है इसमें, ये देखिए डेफिनेशंस हैं जो हमारे कोर्स में दी गई हैं, इसको आपने याद करना है, सेक्शन 2 क्लॉज ए बी एच ई जी डी। देखो कौन कौन सी है, ए बी डी ई जी एच, ए बी डी ई जी एच। पहले देखते हैं अल्फाबेटिकल वाइज है, अल्फाबेटिकल वाइज होती है ना सारी डेफिनेशंस। एग्जीक्यूटिव ई, ऑफिस बेयरर ओ बाद में आता है, इसके बाद डी वाली कौन सी है, रजिस्टर्ड एम एन ओ पी क्यू आर, आर बाद में आता है। अब रजिस्टर्ड ट्रेड ऑफिस और रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, देखो रजिस्टर्ड ट्रेड, रजिस्टर्ड ट्रेड, ऑफिस का ओ पहले आता है, यूनियन का यू, ऑफिस का ओ पहले आता है, इसलिए ये क्या है डी और ये क्या है ई। ट्रेड डिस्प्यूट ट्रेड यूनियन ई एफ जी एच, तो ट्रेड ट्रेड कॉमन है, डिस्प्यूट का डी पहले आता है, यूनियन का यू बाद में आता है। ये बात समझ आ रही है, अल्फाबेटिकल वाइज है। तो हम कैसे याद करेंगे, पहले तो हम क्लॉजेज याद करेंगे, टू में कौन कौन से क्लॉज है, ए बी डी ई जी एच, ए बी डी ई जी एच, याद रहेगा ए बी डी ई जी एच, ए बी डी ई जी एच, अल्फाबेट से याद करने हैं। सेक्शन 2 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज डी, क्लॉज ई, क्लॉज जी, क्लॉज एच, ठीक है जी। अभी हमने वर्ड्स याद नहीं करे, अभी हम वर्ड्स याद करेंगे, डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यहां देखते हैं, यहां कह रहा है जी एग्जीक्यूटिव कौन होता है और ऑफिस बियरर कौन होता है। पहले मेरी बात सुनना, इधर ऑल ऑफ यू, क्या हर कंपनी में टॉप लेवल होती है जिसको आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हो? ट्रेड यूनियन में भी टॉप लेवल होती होगी, पर उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना बोल के एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, याद रहे की बात, क्या बोला जाता है, एग्जीक्यूटिव। देखिए कह रहा है एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है, कहता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, राइट। जिसको कंपनी में हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं उसको हम ट्रेड यूनियन में एग्जीक्यूटिव बोलते हैं।
कह रहे थे एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन क्या देखिए, बॉडी टू विच मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स इज एंट्रस्टेड, मतलब वो बॉडी जिसको मैनेजमेंट सौंपी गई है, वो बॉडी जिसके हाथ में मैनेजमेंट दी गई है, इसका मतलब टॉप लेवल, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव। याद रहेगी बात, डन। तो याद रखिएगा एग्जीक्यूटिव मतलब उनका टॉप लेवल, डन। अच्छा एक चीज बताओ, कंपनी का टॉप लेवल कौन होता है? बोर्ड। और बोर्ड के अंदर जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हाँ या ना? डायरेक्टर्स बोलते हैं। ऐसी इनका टॉप लेवल क्या है? एग्जीक्यूटिव। इसमें भी टॉप लेवल में लोग होंगे, उनको डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स नहीं बोला जाता, बोला जाता है ऑफिस बियरर्स। क्या बोला जाता है? ऑफिस बियरर्स। याद रहेगा टॉप लेवल को क्या बोला जाता है? एग्जीक्यूटिव। उसके अंदर जो लोग होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? ऑफिस बियरर। देखो लॉ की लैंग्वेज ये है जो मैं सर्कल कर रहा हूं, ये एनी मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का जो मेंबर है। डायरेक्टर कौन है? मेंबर ऑफ बोर्ड। एग्जीक्यूटिव कौन है? मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव। याद रहेगी बात, डन। लेकिन आप एक चीज सुनिएगा बड़े ध्यान से, ये बात समझ आई कि जो टॉप लेवल है उसको क्या बोला जाता है? एग्जीक्यूटिव। और टॉप लेवल में जो लोग बैठे हैं उन्हें क्या बोला जाता है? ऑफिस बियरर्स। अब एक चीज बताओ, कंपनी का ऑडिटर जितना मर्जी बड़ा हो, क्या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आता है? नहीं, वो तो इंडिपेंडेंट पर्सन है। ऐसे इनका ऑडिटर जितना भी बड़ा हो, क्या ऑफिस बियरर में आएगा? नहीं, क्योंकि ऑफिस बियरर तो इंटरनल लोग होते हैं और ऑडिटर बाहर से आता है, इंडिपेंडेंट होता है, हाँ या ना? तो देखिए कह रहा है एनी मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूड्स ऑडिटर। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, यदि ट्रेड यूनियन है उसमें बताओ कौन ऑफिस बेरर नहीं माना जाएगा? सीए सीए सीडब्ल्यू ऑडिटर। तो आंसर इज ऑडिटर। क्लियर है बात? ऑडिटर ऑफिस बेरर का पार्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो एक्सटर्नल एक्सटर्नल बंदा है, वो तो ऑडिटर ऑडिट करने आ रहा है, वो तो इंडिपेंडेंट बंदा है, उसका हमारी ट्रेड यूनियन से कोई लेना देना नहीं होता। एनी डाउट इन दिस? क्लियर है सबको? चले आगे। तो ये दोनों डेफिनेशन समझ आ गई। टॉप लेवल को क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। और उस टॉप लेवल पे जो बैठा होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑफिस बेयरर, डन। इसमें कौन नहीं आता? सर इसमें ऑडिटर नहीं आता, डन। अब देखिए कह रहा है रजिस्टर्ड ट्रेड ऑफिस और रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ये दो डेफिनेशन। पहले बताओ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ई वाली ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड, क्या मतलब है इसका? ऐसी ट्रेड यूनियन जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है, हाँ या ना? यही मतलब हुआ। सर रजिस्टर्ड ट्रेड ऑफिस, जब कोई रजिस्टर्ड ट्रेड, जब कोई ट्रेड यूनियन इस एक्ट में रजिस्टर्ड हुई होगी तो क्या उसने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिखवाया होगा कोई? जब भी कोई बॉडी अपने आप को रजिस्टर कराती है तो कोई तो एड्रेस देती है, तो वो एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस, हाँ या ना? क्या कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं होता? क्या ट्रेड यूनियन का नहीं होगा? ट्रेड यूनियन का भी रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, तो उसका नाम क्या हो गया? रजिस्टर्ड ट्रेड ऑफिस। क्लियर है दिए बात, डन। तो ए बी डी ई ये चार याद हुई। ए कौन सी है? एग्जीक्यूटिव। बी कौन सी है? ऑफिस बेयरर। उसके बाद डी रजिस्टर्ड ट्रेड ऑफिस, और उसके बाद ई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मींस जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड ट्रेड ऑफिस मींस जहां हमारा हेड ऑफिस है, या वो ऑफिस जो हमने रजिस्ट्रार को बताया था जब हम खुद को रजिस्टर करवा रहे थे। एग्जीक्यूटिव मींस टॉप लेवल, और ऑफिस बेयरर मींस एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स, टॉप लेवल के मेंबर्स। इसमें कौन नहीं आता? ऑडिटर नहीं आता। हो गई बात खत्म, डन। अब कहता है ये बताइए कि सर ट्रेड डिस्प्यूट का क्या मतलब है? इस एक्ट में कौन कौन से झगड़े आते हैं? इधर देखिएगा, ट्रेड डिस्प्यूट मींस हर लेवल का डिस्प्यूट। मालिक मालिक का झगड़ा, मालिक नौकर का झगड़ा, नौकर नौकर का झगड़ा। हो सकता है दो लेबर आपस में लड़ पड़े, हो सकता है एक एसोसिएशन है उसके दो मालिक आपस में लड़ पड़े, हाँ या ना? हो सकता है ना, मान लो ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन एक बॉडी बनी, एक ट्रेड यूनियन बनी, उसमें सारे टीचर्स हैं। हो सकता है दो टीचर्स आमने आमने सेंटर चला रहे, उनकी लड़ाई हो जाए तो वो किसके पास जाएगी? उनकी एसोसिएशन के पास जाएगी, हाँ या ना? उनकी यूनियन के पास जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ट्रेड यूनियन की जब हम बात करते हैं तो सर ट्रेड यूनियन में कौन कौन सी झगड़े आते हैं, या ट्रेड डिस्प्यूट में कौन कौन से झगड़े आते हैं? कोई भी झगड़ा जो दो लेबर का हो रहा है, वर्कमैन का हो रहा है, कोई भी झगड़ा जो दो मालिका का हो रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि अपनी ही लेबर अपने ही मालिक के साथ झगड़ा कर रही है। क्लियर है ये बात? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ट्रेड डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर वर्कमैन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन वर्कमैन। क्लियर है जी? नौकर नौकर का झगड़ा, मालिक मालिक का झगड़ा, मालिक नौकर का झगड़ा, डन। अब देखिए कह रहे जी ट्रेड यूनियन क्या होती है, पहले मेरी बात सुनिएगा बड़े ध्यान से। ट्रेड यूनियन में दो चीजें याद रखिएगा, ये पेपर में आया था आपके क्वेश्चन, ये ट्रू फॉल्स में आया था। ये ट्रेड यूनियन टेम्परेरी भी होती है और परमानेंट भी होती है। पेपर में क्वेश्चन आया था कि चारों में से बताओ कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो एक लाइन लिखी थी ट्रेड यूनियन कैन नॉट बी फॉर टेम्परेरी पर्पस, जबकि ये सही बात है, ऐसा हो सकता है। याद रहेगी बात, ट्रेड यूनियन जो है ये टेम्परेरी पर्पस के लिए भी हो सकती है और परमानेंट पर्पस के लिए भी हो सकती है, डन।
जो ट्रेड यूनियन है वो 6-6 महीने 7-7 महीने के लिए भी बनाई जाती है। क्लियर है, याद रहेगा जी। तो ट्रेड यूनियन टेम्परेरी और परमानेंट दोनों हो सकती है। ट्रेड यूनियन ऐसी भी हो सकती है कि कोई नई ट्रेड यूनियन बने, या ऐसी भी हो सकती है कि दो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन है उनको मर्ज करके एक नई बन जाए। इसका मतलब ट्रेड यूनियन कैन बी इनकॉर्पोरेटेड सेपरेटली और इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर ऑफ टू एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन। समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ट्रेड यूनियन वन ट्रेड यूनियन टू मिलकर एक नई ट्रेड यूनियन बना ली। देन देखिए इट इंक्लूड्स फेडरेशन ऑफ टू और मोर ट्रेड यूनियन। क्लियर है? और ये किसको रेगुलेट करती है? वही मालिक 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 नौकर नौकर नौकर। क्लियर है ये बात हमें? डन। तो देखिए ध्यान से इधर ऑल ऑफ यू, सबसे पहले डेफिनेशन सेक्शन टू में कितनी दी गई है? 6। कौन कौन सी? ए बी डी ई जी एच। ए कौन सी है? एग्जीक्यूटिव। बी कौन सी है? ऑफिस बेयरर। सी है ही नहीं, आ गए नींद में। डी है, कौन सी है? रजिस्टर्ड ट्रेड ऑफिस। ई कौन सी है? रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। जी कौन सी है? ट्रेड डिस्प्यूट। डी पहले आता है और उसके बाद एच कौन सी है? ट्रेड यूनियन। क्लियर है ये बात? डन बेटा, 6-6 डेफिनेशन याद करना बहुत आसान है, जब पेपर में आएंगी ना सारी मिक्स होके तब पता चलेगा। ए कौन सी थी? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब टॉप लेवल। बी कौन सी थी? ऑफिस बेयरर मतलब टॉप लेवल के मेंबर्स जिसमें ऑडिटर नहीं आता। डी कौन सी थी? रजिस्टर्ड ट्रेड ऑफिस जो रजिस्टर्ड है। ई कौन सी थी? रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो इस एक्ट में है। इसके बाद जी कौन सी थी? ट्रेड डिस्प्यूट जिसमें कौन कौन से आते हैं? सबके, तीनों के झगड़े आते हैं। इसके बाद एच थी ट्रेड यूनियन। इसके अंदर क्या आता है कि भाई ये पहली बात तो ये क्या होगी, मैं भूल गया, थर्ड वाला तो मेरे को याद है टू और मोर यूनियंस का कॉम्बिनेशन। बीच वाला आता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एम्प्लॉय सब हो सकता है, और पहला टेम्परेरी और परमानेंट हो सकती है। डन। क्लियर है ये बात हमें? चले आगे, जवाब दे दो। अब देखो, अब यहां पे कहता है मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, बड़े ध्यान से देखिएगा। सेक्शन 4 मतलब हमने अभी पढ़ा सेक्शन नंबर 1 और उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 2, राइट? अब हम आ रहे हैं सेक्शन 4 पे। सर मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन देखिए बेटा ध्यान से क्या कह रहा है, कह रहा है कोई भी ट्रेड यूनियन जब रजिस्टर करानी है तो हम जाएंगे रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन के पास। डन। अगर हमें अपनी ट्रेड यूनियन रजिस्टर करानी है तो हम जाएंगे रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन के पास। डन। अप्लाई करेंगे ना उसको। कहता है कितने लोग अप्लाई करेंगे? देखिए कहता है जी पहली बात कम से कम 7 लोग तो ऐसे होंगे जो सब्सक्राइब करेंगे रूल्स को। इसको हम बोलते हैं रूल्स रिगार्डिंग इनकॉर्पोरेशन। क्या बोलते हैं? रूल्स रिगार्डिंग इनकॉर्पोरेशन। जैसे यार सब्सक्राइबर्स नहीं होते सोसाइटी में भी तो 7 चाहिए होते थे, अगर आपको याद हो, अगर आपने फर्स्ट मॉड्यूल पढ़ाओ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी 7 सब्सक्राइबर्स होते हैं, उसी तरीके से यहां पे भी 7 सब्सक्राइबर्स चाहिए। क्लियर है ये बात? डन। ये बात समझ आती है? जो जो हम अप्लाई कर रहे हैं हम उनको अपना बायलॉज एमओए वगैरह जो भी देंगे उसको कम से कम कितने लोग साइन करेंगे? 7 लोग। कहता है अच्छा कितने लोग जाएंगे तो ही ट्रेड यूनियन रजिस्टर होगी, मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए ट्रेड यूनियन में? देखिए ध्यान से ऑल ऑफ यू, देखिए मान लीजिए, इधर देखिएगा, मान लीजिए एक एस्टैब्लिशमेंट है। एस्टैब्लिशमेंट में मेरे को ना वो श्रीदेवी वाली कंपनी याद आती है, उस मूवी में शीतल इंडस्ट्रीज नाम था उसका। कितने लोगों को याद आ गई? इन सबका बचपन बहुत सही बीता हुआ। ये वही जनता है जो बचपन में बेड पे उल्टा लेट के कटोरी में नमकीन डाल के खाते खाते मूवी देखती है। गलत कह रहा हूं? ऐसा ही होता ना। तो वो शीतल इंडस्ट्रीज नाम की, उसमें श्रीदेवी की एक इंडस्ट्री, ठीक है? इसके अंदर मान लो कितनी लेबर है? इसके अंदर मान लो 1200 लेबर है, ठीक है जी? अब अगर ये 1200 लेबर अपनी इंडस्ट्री को, अपनी ट्रेड यूनियन बनाना चाहती है और उसको रजिस्टर कराना चाहती है तो रजिस्ट्रार के पास जाएंगे। कितने लोग जाएंगे? कहता है 1200 का 1/10 या 100, विच एवर इज लेस। 1200 का 1/10 कितना हो गया? 120। 120 या 100 लेस क्या है? तो 100 लोग जाएंगे, मतलब जो ट्रेड यूनियन एप्लीकेशन देगी उसमें कम से कम 100 वर्कर्स के साइन होने चाहिए। समझ आ रही है ये बात? या मान लो वही वाली बात, छोटी फैक्ट्री है 800 लेबर है, तो 800 का 1/10 कितना हो गया? 80 या 100 लेस क्या है? 80। तो फिर 80 लेबर उसको साइन करेंगे। समझ आ गई ये बात? तो इसका मतलब जब भी कोई ट्रेड यूनियन अपने आप को रजिस्टर करवा रही है तो वो ट्रेड यूनियन किसके पास जाएगी? रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन के पास जाएगी। कितने लोग उसको एप्लीकेशन देंगे?
बाई 1/10 एप्लीकेशन कितने लोग देंगे, 1/10 और 100 विच एवर इज लेस। ये बात समझ आ गई, क्लियर है जी। और आगे कहता है कि उसका जो मेन रूल्स है, बायलॉज है, उसको मेन कितने लोग सब्सक्राइब करेंगे, 7 लोग सब्सक्राइब करेंगे। डन, क्लियर है सबको? क्या हमें यहाँ पे सेक्शन नंबर 4 समझ आ गया? पक्का? दोबारा से समझो, जब भी कोई ट्रेड यूनियन खुद को रजिस्टर कराना चाहती है, इट विल फाइल एन एप्लीकेशन विद रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। सर, जब हम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन के पास जाएंगे तो हम उसे क्या देंगे? एप्लीकेशन देंगे और रूल्स की कॉपी देंगे। रूल्स की कॉपी कितने लोग साइन करेंगे? 7 सब्सक्राइबर्स, ठीक है, जो मेन टॉप लेवल के लोग होंगे, राइट। इनमें वही आएंगे ना, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी वगैरह जो बन रहे हैं, जो ट्रेड यूनियन बना रहे हैं। और लेबर कितनी साइन करेगी इसके अंदर? सर, जितने भी उस एस्टेब्लिशमेंट में लोग हैं उसके 1/10 या 100 विच एवर इज लेस। चले आगे, डन। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा सेक्शन 4, अब सबसे पहले इसके बाद हम आएंगे सेक्शन नंबर 9 पे, 4 के बाद 9। देखो, 9 तो कुछ कह ही नहीं रहा, 9 तो बेचारा शरीफ है। आपने एप्लीकेशन दी, रूल्स की कॉपी दी, साथ में आपको कुछ स्टेटमेंट्स देनी पड़ती है। कौन सी स्टेटमेंट्स? वो अभी आप पढ़ोगे सेक्शन नंबर 6-7 में, 4-5-6-5-6-7 में पढ़ोगे। इधर देखिए, आप एप्लीकेशन देते हो, एप्लीकेशन के साथ आप रूल्स की कॉपी देते हो, साथ में कुछ स्टेटमेंट्स देते हो। और अगर ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रार है उसे सारी चीजें सही लिखती है तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा। सिंपल सी बात है ना। आप कैसे अप्लाई करोगे, वो कहा लिखा है 4 में। जब आप अप्लाई करोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये कहा लिखा है 9 में। इसमें कोई डाउट? आप कैसे अप्लाई करोगे, ये बात कहा लिखी है 4 में। जब आप अप्लाई करोगे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये बात कहा लिखी है 9 में। डन बच्चे, क्लियर है सबको? अच्छा, अभी एक बार देखना ये वाली बात। जब आप रजिस्टर हो जाओगे, अब 9 में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, 9 में आपको क्या मिल गया? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जब वो मिल गया तो कहता है उसके फायदे क्या है? ये वही फायदे हैं जो मैंने इंट्रोडक्शन में कराए। अभी आप बॉडी कॉर्पोरेट हो जाओगे, परपेचुअल सक्सेशन हो जाएगा, आपके अपने सिग्नेचर्स होंगे जिसको हम बोलते हैं कॉमन सील। कह रहे जी, कैपेसिटी ऑफ बीइंग सूड एंड सू। और क्योंकि आप सेपरेट लीगल एंटिटी हो तो आप अपने नाम पे कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी लेना चाहो तो ले सकते हो। सिंपल सी बात है ना। ये तो यार कंपनी वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए ना, बॉडी कॉर्पोरेट वाले। आप बॉडी कॉर्पोरेट बन जाओगे, परपेचुअल सक्सेशन हो जाएगा, कॉमन सील हो जाएगी, इसके अलावा कैपेसिटी ऑफ बीइंग सूड एंड सू है क्योंकि आपकी सेपरेट एंटिटी है। आप अपने नाम पे कोई गाड़ी, ट्रक, ये जो ट्रेड यूनियन है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, अपने नाम पे कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है। डन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से सेक्शन पढ़े? 1, 2, 4, 9, 13। सही बोल रहा हूं? एक बार दोबारा से रिवाइज करा दूं सारा? ध्यान से सुनना, बोलना मत, थोड़ा स्लो मोड पे बोलूंगा ताकि आपको क्लैरिटी के साथ सुनाई दे। एक्ट का नाम ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, 25 मार्च 1926 को आया था। ये उस साल का 16वां कानून था, लिखना तो लिख लो, 16th इनएक्टमेंट ऑफ द ईयर, 16th इनएक्टमेंट ऑफ द ईयर। इसलिए मैंने कहा आप सिर्फ सुनना, हो सकता है दो चार अच्छी बातें और बता दूं। 16th इनएक्टमेंट ऑफ द ईयर मतलब ये जब 25 मार्च को आया था तो इससे पहले उस साल और 15 कानून पास हो चुके थे, ये उस साल का 16वां कानून था। सिंपल सी बात है। डन बच्चे, तो ये आया था 25 मार्च 1926 को, ये पूरी इंडिया पे एप्लीकेबल होता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये उस साल का 16वां कानून था, इससे पहले 15 कानून और आ चुके थे। सर, ट्रेड यूनियन क्या होता है? एम्प्लॉयज का भी ग्रुप होता है या एम्प्लॉयर्स का भी ग्रुप होता है? सर, ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन अलग बात होती है और एफिलिएशन अलग बात होती है। रजिस्ट्रेशन आप इस एक्ट में रजिस्ट्रार के पास कराते हो, एफिलिएशन आप किसी भी मेन बड़ी बॉडी या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन सकते हो। अगर मैं किसी ट्रेड यूनियन का मेंबर हूं और वो ट्रेड यूनियन किसी और ट्रेड यूनियन की मेंबर है या एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन से अफिलिएटेड है तो मुझे उन दोनों ट्रेड यूनियन के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये बात अभी मैंने आपको बताई थी। डन। इसके बाद मैंने आपको बताया कि सेक्शन 1 क्या बोलता है। ये बोलता है जी, ये एक्ट रजिस्टर राइट्स, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब कुछ बताता है। ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज दोनों बना सकते हैं, पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है। एक बार अगर आपने रजिस्टर करा ली तो आपको कॉर्पोरेट स्टेटस मिल जाएगा, आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएगी, राइट। और सबसे बड़ी बात है, जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हो तो आप पे, आप मेंबर्स पर्सनली लाइबल नहीं होंगे। केस किसके नाम पे चलेंगे? ट्रेड यूनियन के नाम पे चलेंगे। और इसमें मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होती है तो उसकी प्रॉपर अकाउंट्स बनाए जाते हैं कि उसकी फंडिंग कहां कहां पे यूटिलाइज हो रही है। डन। सेक्शन 2 में के अंदर 6 डेफिनेशंस, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज डी, क्लॉज ई, क्लॉज जी, क्लॉज एच,
क्लॉज ए के अंदर क्या आ रहा था, एग्जीक्यूटिव जो टॉप लेवल होता है, क्लॉज बी के अंदर आ रहा था हमारा ऑफिस वेयरर जिसमें एग्जीक्यूटिव के मेंबर आते हैं लेकिन ऑडिटर नहीं आता, इसके बाद आ रहा था आपका क्लॉज डी जो कि था रजिस्टर्ड ट्रेड ऑफिस, क्लॉज बी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, उसके बाद था क्लॉज जी ट्रेड डिस्प्यूट जिसमें मालिक मालिक नौकर नौकर मालिक नौकर का झगड़ा, फिर आ रहा था जी ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन जो दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज एच के अंदर, इसमें क्या रहा था जी ये टेम्परेरी या परमानेंट हो सकती है, ये 2 या 2 से ज्यादा यूनियंस का मिक्सचर भी हो सकती है, कॉम्बो हो सकता है, एक तरीके से मर्जर हो सकता है, और ये एक पॉइंट और क्या रहा था कि ये जो ट्रेड यूनियन है ये वही मालिक मालिक नौकर नौकर मालिक नौकर किसी की भी हो सकती है। डन। सेक्शन 4 क्या कह रहा था, हम कैसे अप्लाई करेंगे, कहता जी अप्लाई करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि एक तो एप्लीकेशन जाएगी और एक साथ में कहता जी आपके रूल्स की कॉपी जाएगी, रूल्स की कॉपी और एप्लीकेशन किसको जाएगी, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन को। जब आप उसको रूल्स की कॉपी दोगे तो उसमें कितने लोग साइन करेंगे, 7 लोग, और सर ट्रेड यूनियन की जो एप्लीकेशन है उसको कितने लोग साइन करेंगे, सर 1/10 ऑफ द वर्कर्स या जितने भी लोग उस एस्टेब्लिशमेंट में, या 100 व्हिचएवर इज लेस। हो गई बात खत्म, चले आगे। इसके बाद आया सेक्शन 9, कहता है जी आप जब अपनी एप्लीकेशन दे रहे थे तो साथ में आपने रूल्स दिए और साथ में आपने कुछ स्टेटमेंट्स भी दी जो अभी हम पढ़ेंगे कौन सी स्टेटमेंट्स है। कहता है जब रजिस्ट्रार सारी बातों से सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर देता है। हो गई बात खत्म। इसके बाद कहता है जी जब हम रजिस्ट्रार की बात करते हैं तो हम उसके पास गए सेक्शन 9 में, उसने हमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दिया। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, कहता है इफेक्ट ये होगा कि हम बॉडी कॉर्पोरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, हम कभी भी अपने नाम पर कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, वेदर सच प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल। ये बात कहां लिखी है, सारी सेक्शन 13 में लिखी है। तो 1 एक्सटेंडेड एप्लीकेबिलिटी, 2 डेफिनेशन, 4 मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, 9 रिसीविंग ऑफ सर्टिफिकेट, 13 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहां तक याद हो गया, पक्का चले आगे। अब देखिए अब ये देखिए बच्चे, इधर ऑल ऑफ यू एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। ईमानदारी की बात यह है कि ये वाला जो डायग्राम है इसको अगर आप देखते हो तो मैं आपको ये बता चुका हूं, देखो भाई मेंबर्स जो है ट्रेड यूनियन के वो एप्लीकेशन देंगे रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन को, और उस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन को जो एप्लीकेशन देंगे वो कितने मेंबर्स देंगे, 1/10 और 100 व्हिचएवर इज लेस। साथ में सर रूल्स की कॉपी जाएगी जिसको कम से कम 7 लोग साइन करेंगे। इतनी बात तो मैंने कहां बता दी थी, सेक्शन नंबर 4 में बता दी थी, राइट। अब 5 में नई चीज क्या है, वो स्टेटमेंट अभी मैंने कहा था ना 39 के अंदर आपको बताया था कि एक नई स्टेटमेंट जाती है, तो यहां सेक्शन 5 में नया क्या है, स्टेटमेंट। अब सुनिए क्या रहा, वो स्टेटमेंट जाएगी एक साथ में, स्टेटमेंट क्या होगा, या स्टेटमेंट को पता है आप क्या कह सकते हो, स्टेटमेंट को आप ये कह सकते हो, लिख लो यहां पे, स्टेटमेंट को कह सकते हो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट या रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। इसको रूल्स रिगार्डिंग इनकॉर्पोरेशन भी कहते हैं कई लोग। ये होता क्या है, ध्यान से समझना, स्टेटमेंट क्या होती है, इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें ना बेसिक चीजें होती हैं, बेसिक मतलब बहुत बेसिक, सर बहुत बेसिक मतलब हमारी ट्रेड यूनियन में कितने मेंबर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, हमारी ट्रेड यूनियन का प्रेसिडेंट कौन है, सेक्रेटरी कौन है, हमारी ट्रेड यूनियन कितनी फंडिंग लेगी हर महीने या हर 3 महीने बाद या हर 6 महीने बाद या हर साल बाद, हमारा ऑफिस कहाँ पे होगा, हमारी ट्रेड यूनियन का जो ऑफिस बियरर्स हैं वो कौन कौन होंगे, हमारी ट्रेड यूनियन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। डन। देखो जनरल बातें, डिटेल्स ऑफ हेड ऑफिस, डिटेल्स ऑफ ऑफिस बियरर, डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, ये वर्कर्स जो काम कर रहे हैं ट्रेड यूनियन में, ये कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट कहाँ पे है इनकी, राइट। ऐसा हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बहुत बड़ी एस्टैब्लिशमेंट है कहीं नजफगढ़ नाम की जगह पे, ठीक है जी, और हमारा जो ट्रेड यूनियन का ऑफिस है वो है पटेल नगर में, ऐसा हो सकता है कि भाई फैक्ट्री कहीं और है, एस्टैब्लिशमेंट कहीं और है, और ट्रेड यूनियन का ऑफिस हम कहीं और बना रहे हैं, हाँ या ना। हो सकता है ट्रेड यूनियन का ऑफिस जो है वो जो हमारे लेबर यूनियन का लीडर हो, यूनियन लीडर, हो सकता है उसके घर पे बनाया हो हमने ऑफिस, कुछ भी हो सकता है ना। इसका मतलब हमारी एस्टैब्लिशमेंट का एड्रेस अलग हो सकता है और हमारी ट्रेड यूनियन का एड्रेस अलग हो सकता है, ये भी हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट और ट्रेड यूनियन का एड्रेस सेम, याद रहेगा, सिंपल है, यस और नो,
क्या ऐसा हो सकता है कि फैक्ट्री के अंदर ही हमने एक कमरे को अपना ट्रेड यूनियन का हेड ऑफिस बना दिया, और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं किसी एक एम्प्लॉय के घर को बना दिया, ऐसा भी हो सकता है, डन। और लास्ट में कह रहा है अब ये देखिएगा, जनरल स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इफ एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन वन ईयर, ये भी पेपर में आया था। सर ये वन ईयर का क्या चक्कर है, सुनिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हम आज ही ट्रेड यूनियन बना रहे हैं और आज ही रजिस्टर करा रहे हैं? हो सकता है हम डे वन जिस दिन फॉर्म कर रहे हैं उसी दिन रजिस्टर करा रहे हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है कि 3 सालों से बनी हुई है लेकिन अनरजिस्टर्ड है, अब रजिस्टर्ड हो रही है? यस और नो, समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा भी हो सकता है कि हम आज ही बना रहे हैं, आज ही रजिस्टर करा रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है कि बहुत साल पहले हमने बनाई थी पर आज तक कैसे चल रही थी, अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की तरह, अब हम क्या कर रहे हैं, रजिस्टर करा रहे हैं, राइट। कहते जी अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हो और आप कई सालों से काम कर रहे हो अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की तरह, तो कहता है कम से कम अगर 1 साल से ज्यादा आपको काम करते हुए हो गया तो उस 1 साल की तो अकाउंटिंग अकाउंट्स बनते हैं, एनुअल अकाउंट्स। तो कहता है वो आपको एनुअल अकाउंट्स कह लो, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कह लो, बैलेंस शीट कह लो, वो आपको देनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, ये पेपर में क्वेश्चन आया था कि भाई कब देनी पड़ेगी स्टेटमेंट, जब आपकी ट्रेड यूनियन जब रजिस्टर होने जा रही है, तो इससे पहले अनरजिस्टर्ड थी और कम से कम 1 साल काम किया था, याद रहेगी बात, समझ आ रही है कहानी पक्का। अगर कोई भी ट्रेड एसोसिएशन या ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन से पहले 1 साल से ज्यादा अनरजिस्टर्ड की तरह काम कर चुकी है तो उसको उस 1 साल की, कम से कम 1 साल की क्या देनी पड़ेगी, एसेट्स और लाइबिलिटीज की स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। जनरल स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कब, इफ एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन 1 ईयर। क्लियर है ये बात, याद रहेगा। अगर हमें बने हुए 9 महीने हुए, 10 महीने हुए तो देने की जरूरत नहीं है, 2 साल हुए, 2.5 साल हुए तो देनी पड़ेगी, 1 साल 2 महीने हुए तो भी देनी पड़ेगी, नॉट मोर देन 1 ईयर कह रहा है, मतलब 12 महीने हुए तो भी नहीं देनी, नॉट मोर देन कह रहा है ना, देखो मतलब फॉर मोर देन 1 ईयर, अगर पूरा 1 ईयर हुआ है अभी, मोर देन 1 ईयर नहीं हुआ, मतलब 1 साल से 1 भी दिन ऊपर हो गया तो देनी पड़ेगी, और अगर 1 साल का आखिरी दिन है आज और हम रजिस्टर कराने जा रहे हैं तो भी देने की जरूरत नहीं है, समझ आ रहा है ना, क्योंकि अभी साल खत्म ही नहीं हुआ तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी, बैलेंस शीट तो पूरे साल की बनती है ना। मान लो हमने कोई बनाई थी 1 अप्रैल को, हमने ट्रेड यूनियन बनाई थी 1 अप्रैल को, रजिस्टर नहीं कराई, 31 मार्च को रजिस्टर कराने जा रहे हैं तो अभी 1 साल खत्म तो नहीं हुआ ना, तो मतलब हमें एसेट्स लाइबिलिटीज सबमिट करने की जरूरत नहीं है। एसेट्स लाइबिलिटीज कब सबमिट होंगे बच्चे, जब 1 साल से ज्यादा हो चुका है, 1 ईयर 1 डे हो गया, तो अब आपको एसेट लाइबिलिटी देनी पड़ेगी, समझ आ रही है ना बात सबको, हाँ या ना भाई। 1 अप्रैल को फॉर्म हुई, हम जनवरी में चले गए, बोलेगा एनुअल अकाउंट दिखाओ, अभी तो साल ही नहीं हुआ, 31 मार्च को एनुअल अकाउंट दिखाओ, जी अभी तो साल ही नहीं हुआ, आज तो आखिरी दिन है, 1 अप्रैल को बोलेगा दिखाओ, तो फिर हमें दिखाने पड़ेंगे, डन। क्लियर है, चले आगे, डन। तो क्या क्या आएगा इसके अंदर, हेड ऑफिस की देखो पहली बात, भैया ऑफिस कहाँ है, यहां पे है जी, पटेल नगर में है। अच्छा कौन कौन बैठेगा वहां पे, ऑफिस बेयरर आ गया। अच्छा सब्सक्राइबर्स कौन कौन थे, वो आ गया, राइट। तो एड्रेस, डिटेल्स ऑफ ऑफिस बेयरर, डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, ये 3 चीजें तो आई गई। इसके अलावा कहता है जी आपका एक्चुअली दफ्तर कहां, आपकी एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट कहां पे है जहां पे लेबर काम कर रही है, क्लियर है। और लास्ट में कह रहा है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज की स्टेटमेंट अगर कम से कम 1 साल हो, 1 साल से ज्यादा हो चुका है आपको अनरजिस्टर्ड की तरह काम करते हो, चले आगे, डन। अब ये देखिए प्लीज ऑल ऑफ यू, अभी ना हम बार बार कह रहे हैं रूल्स की कॉपी जाएगी जिसको 7 लोग साइन करेंगे, बोल रहे हैं ना हम लोग कि रूल्स की कॉपी जाएगी जिसको 7 सब्सक्राइबर साइन करेंगे। कहता सर उसमें कौन कौन से रूल्स होंगे, यार जनरल बातें, ये आपने वहां भी पढ़ी थी सोसाइटी में, फर्स्ट मॉड्यूल में, वर्किंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी। इधर देखिए, ध्यान से देखिए इसको, रूल्स में क्या होगा, क्या हमारी ट्रेड यूनियन का नाम होगा, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होएगा, हम मेंबर से कितनी फीस लेंगे वो होएगा, हम पैसा कहां लगाएंगे वो होगा, पहली 4 चीजें समझ आई, डन। नाम क्या है, काम क्या है, पैसा कहां से आएगा, कहां लगाएंगे, ठीक है, नाम काम कहां से आएगा, कहां लगाएंगे, 4 चीजें क्लियर हो गई, नाम काम, मेंबर्स की फीस कितनी होगी, सब्सक्रिप्शन फीस मंथली होगी, हाफ ईयरली होगी, एनुअली होगी, और उस पैसे को कहां लगाया जाएगा। चलो ये 3 बात 4 बातें समझ आ गई। इसके बाद की देखो रिलेटेड, अगर हमने कोई रूल अमेंड करना कैसे करेंगे, हमने कोई चेंज करना कैसे करेंगे, हमने अपनी कल को ट्रेड यूनियन को डिसॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, समझ आ रही है बात, कोई रूल अमेंड करना है, चेंज करना है तो कैसे करेंगे, हमने अपनी ट्रेड यूनियन को डिसॉल्व करना है तो कैसे डिसॉल्व
करेंगे। इसके अलावा ऑफिस बेयरर कितने टाइम के लिए अपॉइंट होगा, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है पहले आपके, याद रखिएगा कोई भी ऑफिस बेयरर 3 साल से ज्यादा के लिए अपॉइंट नहीं होता। कंपनी लॉ में भी जनरली डायरेक्टर्स का टाइम 3 साल होता है ना, वो याद रखोगे 3 साल होता है यहां भी। क्लियर है जी ये बात, डन जी। उसको इलेक्ट कैसे किया जाएगा और रिमूव कैसे किया जाएगा ऑफिस बेयरर को, मतलब जो टॉप लेवल में हमारे ऑफिस बेयरर्स हैं जिनको हम डायरेक्टर बोलते हैं कंपनी में, उनको कैसे अपॉइंट और रिमूव किया जाएगा। ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, ऑडिटर कब आएगा, कितने मेंबर्स उसको अपॉइंट करेंगे, क्या बोर्ड मेंबर्स मतलब ऑफिस बेयरर अपॉइंट करेंगे या मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, उसके लिए भी रूल्स का दिए होंगे हमारे, रूल्स के अंदर ये सारी बातें लिखी होंगी। डन, सिंपल है ना। पहली बात नाम क्या है, दूसरी बात ऑब्जेक्टिव क्या है, तीसरी बात पैसा कितना लेंगे, चौथी चीज पैसा कहां लगाएंगे, ये तो हो गया। पांचवी चीज अपॉइंट कैसे करेंगे, छठी चीज रिमूव कैसे करेंगे, सातवीं चीज अपॉइंट कैसे करेंगे, रिमूव कैसे करेंगे, अमेंड कैसे करेंगे, डिसॉल्व कैसे करेंगे, राइट। इन रूल्स को अमेंड कैसे करेंगे या अपनी पूरी ट्रेड यूनियन को डिसॉल्व कैसे करेंगे, और क्या रह गया, हाँ, और जो ऑफिस बेयरर है उसको मैक्सिमम 3 सालों के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। एक और पॉइंट रह गया, वो तो बता दिया, ऑडिट। हाँ, ऑडिट कैसे होगा, अकाउंट्स का ऑडिट कैसे होएगा। क्लियर है ये बात, डन, चले आगे। ये भी हो गया जी। तो अभी हमने पढ़ लिया सेक्शन 1, 2, 4, 5, 6, 9 और 13। फर्स्ट क्या कह रहा था, एक्सटेंड एंड एप्लीकेबिलिटी। टू क्या कह रहा था, ए बी डी ई जी एच। फोर क्या कह रहा था, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। फाइव क्या कह रहा था, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, राइट। और सिक्स क्या, मोड में क्या था, सिंपल वो 1/10 और 7 वाली बात। एप्लीकेशन में क्या था, रूल्स वगैरह बताएंगे, रूल्स और स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा वो 5 में लिखा हुआ है। सिक्स क्या था, रूल्स में क्या क्या होगा, राइट। नाइन क्या था, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 13 क्या था, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। डन, चले आगे। अब देखो यार, किस किस ग्राउंड पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है, पहले तो ये बताओ रजिस्ट्रेशन दी किसने, रजिस्ट्रार ने, कैंसिल भी कौन करेगा, रजिस्ट्रार। सिंपल सी बात है, सर आपने अप्लाई किया था, हां जी किया था, आपको रजिस्ट्रेशन मिल गई थी, हां जी मिल गई थी, अब रजिस्ट्रार उसे कैंसिल कर रहा है, क्या दिक्कत है, कर सकता है, कब करेगा, देखिए इधर ध्यान से ऑल ऑफ यू। पहली बात, आपने खुद बोला हमको बंद कर दो, फिर तो बंद करेगा ही, आया ना, आपको आपने खुद बोला बंद कर दो फिर तो बंद करेगा। दूसरी बात, नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल हो गए, सर नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल हो गए मतलब सुनिए ध्यान से, 1200 मेंबर थे आपकी ट्रेड यूनियन में, ठीक है, डन। 1200 का 1/10 कितना आ गया, 120, या दूसरा 100, विच एवर इज लेस। कितने लोगों ने कंसेंट देनी जरूरी थी, मान लो 100 ने दी थी, ठीक है, 20 गए पीछे से जाके अपनी कंसेंट विड्रॉ करके आ गए, कंसेंट 100 ने दी थी, अब 20 लोग गए और अपनी कंसेंट विड्रॉ करके रजिस्ट्रार के पास गए, बोले हम अपनी कंसेंट विड्रॉ कर रहे हैं, तो अब मिनिमम से कम हो गया ना, फिर तो लेबर 1200 है, 1200 का 120 और 100 विच एवर इज लेस, लेस 100 है, लेकिन अब मिनिमम से कम हो गया, 20 लोग गए और अपनी कंसेंट वापस लेके आ गए, तो ये गलत हो गया ना। तो कहता है अगर मिनिमम से कम हो गया तो फिर रजिस्ट्रार आपको टाइम देता है दोबारा मिनिमम एप्लीकेट तक लाने का, वो कितना टाइम देगा उसकी मर्जी है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है। और अगर आपने उस टाइम के अंदर अंदर नहीं लाया तो फिर वो आपकी ट्रेड यूनियन को कैंसिल कर देगा। समझ आ रही है बात, देखो ना, नंबर ऑफ मेंबर्स इन ट्रेड यूनियन फॉल्स बिलो 1/10 और 100 वर्कमैन, या आप ऐसे समझो कि जिन 100 लोगों ने कंसेंट दी थी, जिन 100 लोगों ने कंसेंट दी थी उसमें से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 20 मारे गए, तो अब वो 80 लोग रह गए ना, तो मतलब या तो वो कंसेंट विड्रॉ कर ली उन्होंने, या उनकी डेथ हो गई, या कुछ भी हो गया, किसी भी रीजन से जिन लोगों ने कंसेंट दी थी उनको कुछ हो गया, तो काम खराब है, डन। अच्छा एक चीज सुनना बड़े ध्यान से ऑल ऑफ यू, इधर ट्रेड यूनियन में 1200 मेंबर है, मेरी बात सुनना जो मैं कह रहा हूं, ट्रेड यूनियन में कितने मेंबर है, 1200, एप्लीकेशन दी थी 150 मेंबर्स ने, मेरी बात सुनिए, ट्रेड यूनियन में 1200 मेंबर्स ने एप्लीकेशन दी थी 150 मेंबर्स ने, ठीक है, जिसमें से 40 बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए, बताओ कैंसिल होगी सर्टिफिकेशन के नहीं, टोटल 1200 है, 1200 का 1/10 120 से 100 विच एवर इज लेस, लेस कितना रहा, तो 100 की एप्लीकेशन चाहिए थी, 100 की जगह दी कितना ने, 150 ने, उसमें से 40 मर भी गए, कितने रह गए, 110, रिक्वायरमेंट कितनी है, 100, तो अभी मिनिमम से कम
नहीं हुआ। क्लियर है ये बात, याद रहेगा। रजनी जी गया ऊपर से, रजनी जी जवाब दो, समझ आया या गया ऊपर से? टोटल कितने मेंबर्स थे? 1200, 12 में से 1/10 कितना हो गया? 120, 120 और 100 लेस क्या है? तो कम से कम कितनों की कंसेंसी है? 100 की। अब 150 ने दी थी तो बुरा तो नहीं किया था, अच्छा ही था, जा रहे थे। उन 150 में से कितनों ने विड्रॉ कर ली? 40 ने, या बॉम्ब ब्लास्ट में कितने मारे गए? 40। अब कितने रह गए? 110। और अभी भी रिक्वायरमेंट मिनिमम कितनी है? 100। तो मतलब लिखो रिक्वायरमेंट जो है वो 100 से कम नहीं गई, राइट? क्योंकि वो मिनिमम से कम नहीं गई तो वो कैंसिल नहीं करेगा। डन बच्चे, चले आगे। ओके, तो ये दो बातें, एप्लीकेशन खुद ही दी उन्होंने या मिनिमम से कम हो गए। तीसरा, आपने कोई रूल तोड़ दिया इधर। हाँ जी, डाउट है बताइए भाई। मैंने कहा वो ट्रेड यूनियन से हट गए, मैंने थोड़ी कहा कि वर्कर हट गए। अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, मारे गए तो फिर कम हो गए। एक बच्चा कह रहा है सर अगर वो विड्रॉ करके आ गए फिर तो अलग है, लेकिन अगर बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए तो फिर तो टोटल में से भी हट जाएंगे। हटा लो 40, कितने रह गए? 1140 नहीं 1160। 1160 का 110 कितना हो गया? 116 या 100, विचवरेज लेस, तो 116 वाला आ जाएगा, वो 100 वाला आ जाएगा फिर। डन, क्लियर है बात? अगर ये बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए तो इनकी बात ठीक है, सर अगर उससे मेंबरशिप कम होगी तो एम्प्लॉइज में भी तो कम हो जाएंगे ना नंबर, तो हो ही जाएंगे। डन, आपकी ट्रेड यूनियन ने रूल बनाया और उस रूल के अंदर लिखा कि हम ज्यादा से ज्यादा 3 सालों के लिए डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे, हाँ या ना? और फिर भी पता चला कि कुछ ऑफिस बियरर्स को, डायरेक्टर मतलब ऑफिस बियरर, कुछ ऑफिस बियरर को अपने 5 साल के लिए अपॉइंट कर लिया, तो गलत है ना ये, आपने रूल को वायलेट कर दिया। इस केस में भी आपको कैंसिल किया जा सकता है, सिंपल सी बात है। डन, रिस्काइंडेड एनी रूल ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन जो है वो खुद के रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है, बार बार मेंबर्स कंप्लेन करते हैं रजिस्ट्रार को जाके कि देखो जी नाम के लिए रूल बना दिए, फॉलो तो करते नहीं है, तो उस केस में रजिस्ट्रार जो है वो कैंसिल कर सकता है। डन, याद रहेगा सबको। और अगर आपने झूठ बोल के रजिस्ट्रेशन ली थी, या ट्रेड यूनियन सीजेस टू एग्जिस्ट, सर सीजेस टू एग्जिस्ट मतलब सुनिए इधर ध्यान से, हमने मिलके एक ट्रेड यूनियन बनाई थी, इधर सुनना बड़े ध्यान से, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन, क्लियर है ये बात? इन्होंने एक ट्रेड यूनियन बनाई है, ये ट्रेड यूनियन है जितने इंडिया में बार हैं उन सब के लिए, ठीक है? पता चला कि लॉ आ गया, इंडिया में बार बैन हो गए, एक भी बार नहीं बचा इंडिया में, सब बैन हो गए, बंद हो गए। जब कोई बार ही नहीं बचा, एसोसिएशन क्या करोगे उनकी? यस और नो? तो एसोसिएशन ऑल्सो सीजेस टू एग्जिस्ट, क्लियर है ये बात? समझ आ रहा है? जिसने एक एग्जाम्पल दिया मैंने ये कि जिस नेचर ऑफ वर्क से रिलेटेड, जिस बिजनेस ग्रुप से रिलेटेड वो एसोसिएशन या ट्रेड यूनियन थी, वो वाला बिजनेस ग्रुप भी वैनिश हो गया। इसका मतलब अब ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं इंडिया में, तो उसकी ट्रेड यूनियन की भी जरूरत नहीं है। क्लियर है ये बात? चले आगे जी। डन, समझ आ गया ना? इसमें हम कैसे लिखेंगे? इसमें देखो इधर, एप्लीकेशन प्लस मिनिमम प्लस वायलेशन प्लस फ्रॉड प्लस सीजर्स, एप्लीकेशन प्लस मिनिमम से कम हो गए प्लस वायलेशन प्लस फ्रॉड प्लस सीजर्स। यहां प्लस प्लस का मतलब क्या? और, प्लस का मतलब और है ना, इनमें से कुछ भी होगा तो फिर आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। डन, चले आगे। कोई डाउट? अबे नहीं, सीजेस टू एग्जिस्ट आएगा, गलत लिखा हुआ है, सॉरी, एग्जिस्ट आएगा ना, एग्जिट थोड़ी आएगा, ट्रेड यूनियन सीजेस टू एग्जिस्ट। चले जी आगे। डन, अब ये देखिए ध्यान से यार, 10 माइल, 1 माइल कितना होता है? 1 मील कितना होता है? 1 मील इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर? 1.7। कैसे बता आपको? हाँ जी, कैसे बताओ तो पूछ रहा हूं, कहां पढ़ा है 1.7? नहीं होता, यही होता है 1.69। वहां नहीं भाई, ऑप्शन में 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें 1.69 हुआ और 1.7, तो आप क्या करोगे? 1.7 को टिक करोगे ना, एग्जैक्ट आपके पेपर में आता है।
वन मील इक्वल टू 1.69 किलोमीटर, क्या 1.609 या 0.06 लिखा होगा ना इसमें, कितना लिखा 1. मैं भी भूल गया सॉरी 1.609, लेकिन बेटा मैं सीएस बन चुका हूं और आपने बनना है, मेरे पास डिग्री और मेंबरशिप है 1.609, मेरे को मैंने कितना बोला था 1. हाँ यार सॉरी नहीं मैंने लेकिन 69 बोल दिया था, हाँ 609 1.609। यार बड़े ध्यान से सुनना प्लीज ऑल ऑफ यू, एक्चुअली ना मेरे को कल एक फोन आया था वहां से, क्या नाम है, महाराष्ट्र से, वहां अभी फ्रेंचाइजी खोली ना थोड़े दिन पहले, तो एक बच्चे का फोन आया मुझे क्या नाम है ऑफिस के फोन पे, फिर मैंने उसको कॉल बैक किया कि सर आपकी जहाँ फ्रेंचाइजी खुली है ना, जहाँ पे आपकी वीडियो क्लासेस होती हैं, मैं ना आपका स्टूडेंट हूँ। मैं कहा अच्छा बेटा, फिर सर एक ना रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज फ्रेंचाइजी ओनर को थोड़ा सा बोलिए ना एडजस्ट करें। मैंने कहा क्या हो गया, कहता सर जहाँ पे आपकी क्लासेस है ना, मैं वहां से 40 मील दूर से आता हूँ। अब वहां उसने मील बोला, तभी मैं चेक करा था क्या गूगल पे उसने 609 नहीं दिखाया और 69। कह रहा सर जहां आपका सेंटर है ना, मैं वहां से 40 मील दूर आता हूँ सर, बीच में 10 गांव पड़ते हैं सर, मेरे को आने में टाइम लगता है, उन्होंने क्लास रखी है सुबह 6:30 बजे की, तो सर प्लीज मेरे को 2-2.5 घंटे आने में लगते हैं, उनको बोलो कि जो क्लास है वो 8 बजे की कर दें। तो मैंने कल फ्रेंचाइजी ओनर को फोन किया, मैं कहा सर ऐसे ऐसे बच्चों को रिक्वेस्ट आ रही है, प्लीज उसको टाइम 8 o'clock कर दो। वो सर हमारे पास रूम की प्रॉब्लम है, ये वो जो भी बात हुई, बाद में सेटल डाउन हो गया, पर मैं हैरान हो गया सोच के कि यार वो बंदा 50 मील मतलब वो 40 मील साइकिल चला के 2.5 घंटे में बच्चा वहां पहुंचता है। यार बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है आपको। और फिर जब वो बच्चे से कल रात को बात हुई ना मेरी, फिर मैं ना 1 घंटा कुछ सोचता रहा, ऐसे होता है ना यू आर लॉस्ट इन थॉट्स। तो मेरे को ना एक चीज याद आई, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, सुनना बड़े ध्यान से क्या हुआ। ये बात है आज से 4 या 5-6 साल पुरानी, सुनना बहुत अच्छी बात है, आपको कम से कम अपने घर वालों की कदर होगी। मैं ना एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाया करता था जिसका नाम था IOCM भोला कुआ में सत्यानिकेतन, ठीक है। वहां मैं BCOM के बच्चे पढ़ाता था, और BCOM में CS तो पढ़ा ही रहा था, BCOM के भी पढ़ाता था, क्योंकि वो था ही साउथ कैंपस में, कैंपस एरिया में, और उस जमाने में इको हुआ करती थी, तो मैं 250-250 बच्चों के इको ऑनर्स के BCOM ऑनर्स के बैच होते थे, तो अच्छा खासा पैसा इकोनॉमिक्स और लॉ से कमाया करते थे। उस टाइम पे क्या हुआ, क्योंकि DU में इकोनॉमिक्स थी ना, फिर सेमेस्टर सिस्टम हो गया, सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स 6 में से 1 में आ गई, तो बड़ा पंगा पड़ गया, इसलिए मैंने पढ़ाना छोड़ दिया। अभी क्या हुआ, एक बच्चा आया जिसको बेचारे को ना इंग्लिश आती ना हिंदी आती, एक बच्चा आया क्लास में जिसको ना इंग्लिश आती ना हिंदी आती, ठीक है। पहले क्या करा, वो आया कहां से था, अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से एक बच्चा आया पढ़ने के लिए, उसको ना इंग्लिश आती ना हिंदी आती। अभी उसने बोला कि सर मुझे लॉ और इकोनॉमिक्स पढ़ना है, उसने मेरे से ट्रायल लिया, समझ आ गया, अभी उसने सारे सब्जेक्ट्स उस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लिए। उसके बाद क्या हुआ, जो टीचर पढ़ाए उसको समझ ही ना आए, क्योंकि ना तो इंग्लिश आती ना हिंदी आती, ठीक है जी, और जो हिंदी आती वो बड़ी मुश्किल से बोल पाता था बेचारा, है ना, सर हम ये करती है ना, उसको नहीं आती समझ, सर हमको ये नहीं करने की है, ऐसे बोलता था। अब उसको समझ नहीं आता था, तो टीचर्स ने क्या करा, हाथ जोड़ के उसके पैसे वापस कर दिए, मैनेजमेंट को बोल दिया कि भाई इसकी फीस रिफंड मारो, ये तो 300-300 बच्चों के बैच खराब करता है, कुछ भी पूछ लेता है, पता है इसको कुछ होता नहीं है, हाथ जोड़ के विनती, दे बिहेव वेरी प्रोफेशनली। अब वो लड़का ना मेरे पास आया रोते हुए, कॉलेज का फर्स्ट ईयर का लड़का रोते हुए मेरे पास आया। मैंने कहा बच्चे क्या हो गया, उसका नाम पता नहीं आफ्ताब या ऐसे करके कुछ नाम था। मैंने कहा बेटा क्या हो गया, कहता है सर हमको तुमको एक बात बतानी की है, बतानी है। मैं कहा बेटा बता। सर हम ना तुम्हारे हाथ जोड़ता है, प्लीज हमको निकालना नहीं। मैं कहा बच्चे हुआ क्या, बात क्या हुई। कहता सर देखो आपको पता है इन्होंने ना मेरे को निकाल दिया, अकाउंट से भी निकाल दिया, उसके अलावा और एक सब्जेक्ट होता था बिजनेस स्टडीज उससे भी निकाल दिया, BM बोलते थे शायद, है ना, पता बॉम्ब बोलते थे क्या बिजनेस है ना, और निकाल दिया उससे, और भी 1-2 सब्जेक्ट से निकाल दिया सर, लॉ इको का भी वो कह रहे हैं कि फीस पकड़ो। मैंने कहा नहीं मुझे अमित सर से बात करना है। उसने ना मुझे एक फोटो दिखाई, उसने मुझे एक पिक दिखाई अपनी मोबाइल में, वो पिक पता क्या थी, एक बर्फ का पहाड़ था, एक बर्फ का पहाड़ था, पूरा बर्फ का पहाड़, ठीक है।
उस पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे करीब 200 बच्चे बैठे हुए थे, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे 200 बच्चे बैठे हुए थे पहाड़ पे। कोई छत नहीं, कोई टेबल नहीं, कोई कुर्सी नहीं, कुछ नहीं, वो पहाड़ पे बर्फ वाले पहाड़ पे बच्चे बैठे हुए हैं और बैठ के गत्ता जेब मतलब रख के कार्डबोर्ड अपनी गोद में रख के टेस्ट पेपर कर रहे हैं और चार या पांच इनविजिलेटर आसपास घूम रहे हैं। समझ लो कितना टफ है। कहता सर ये जगह ना मेरे घर से 200 किलोमीटर थी और सर मैं ना 12 दिन में पैदल चल के गई थी। उसने जो मुझे बोला कि ये जगह मेरे घर से 200 किलोमीटर थी और मैं 12 दिन पैदल चल के गई थी, और सर जब मैंने टेस्ट दिया ना ये 250 बच्चा जो है उसमें से सिर्फ मेरा अकेले का स्कॉलरशिप में नंबर आया और मुझे अफगानिस्तान से DU भेज दिया गया एज अ स्कॉलर, DU में एडमिशन हो गया। सर अब बताओ मैं इतनी मेहनत करके आया हूं और ये लोग मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, बताओ मैं क्या करेगी। समझ आ रही है बात। और वो बेचारा ना बोलते बोलते रो पड़ा। मैंने उसकी हेल्प करी, मैं जितनी कर सकता था मैंने करी एंड ऑल दैट। बट कहने का मतलब क्या है कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यार एक्चुअली में इन चीजों की बड़ी कदर करते हैं, क्योंकि ना वो देख के आए होते हैं। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें पता भाई हम घर में रहते हैं, माँ बाप हैं, राइट, खर्चा पानी सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ ओके है, ये फैक्ट है ना यार। एक आधा अटेम्प्ट नहीं भी हुआ दोबारा दे देंगे, क्या दिक्कत है। फिर नहीं हुआ फिर दोबारा दे देंगे, क्या दिक्कत है। फिर भी नहीं हुआ तो घर वालों को बोल देंगे नहीं हुई CS, कौन सा सब बनते हैं CS, टफ सब्जेक्ट है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बट एक्चुअली में वो वाला जब लेवल देखते हैं ना तो बड़ी घबराहट सी हो जाती है। कल उस बच्चे ने भी कुछ ऐसी सी बात बोली ना कि सर मैं 40 मील साइकिल चला के आता हूँ। भाई साहब 40 मील इंटू 1.609 करो, 50-60 किलोमीटर हो जाएगा। इतनी साइकिल डेली आके चलाना, डेली जाना, इट्स वेरी टफ जॉब यार। और आप सोच के देखो, उसने उनको एक बात और बोली, वहां पे गांव में या अकोला साइड, अकोला नाम है उस जगह का, अकोला साइड में क्या होता है, डेढ़ डेढ़ घंटे का सब्जेक्ट होता है, डेढ़ घंटे की क्लास फिर डेढ़ घंटे की क्लास, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ होता है ढाई ढाई घंटे, वहां डेढ़ डेढ़ घंटे की होती है। मतलब यहाँ जैसे 8 से 1 है, वहां 8 से 11। अब वो कहता है सर हमारी डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास होती है, प्लीज उनको बोलो ना थोड़ी ड्यूरेशन बढ़ा दे। सर मेरे को 2.5 घंटे आने में लगते हैं, 2.5 घंटे जाने में लगते हैं, 3 घंटे की पढ़ाई होती है वहां पे। तो ऐसे ना बड़ी सारी प्रॉब्लम हैं। तो यू गाइस आर मच मच प्रिविलेज, उसकी रिस्पेक्ट करो भाई साहब, मजाक नहीं कर रहा, बहुत मुश्किल है। और मैं आपको बार बार कहता हूँ ये गोल्डन पीरियड है आपका, प्रैक्टिकली सोच के देखो, ये टाइम दोबारा नहीं आना, ये लाख गुना अच्छा टाइम है यार आपकी लाइफ का। आप लोगों का नहीं दिल कर रहा क्लास में आने का, नहीं आते, अगले दिन पेनड्राइव जमा करा देते हो, अपने आप क्लास दे देगा, चलो थोड़ी लेट देगा लेकिन दे देगा। आप लोग का नहीं दिल करता फ्रेंड्स के साथ घूमने निकल जाते हो, सच है ना। प्रैक्टिकली बात करते हैं, उमंग जी आपके दोस्तों का फोन आए, चल यार 3 दिन के लिए शिमला चलना है, नहीं जाएगा, जाएगा, मेरे दोस्तों का है मैं जा सकता हूं। सोच के देखो, ये आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड है, इसको जितना यूज कर सकते हो कर लो। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो अभी जितनी मेहनत करनी है कर लो, बाद में ऐश कर लेना, या अभी ऐश कर लो सारी जिंदगी घिसते रहना। दो ही ऑप्शन था ना आपके पास। तो कभी कभी ऐसी चीज होती है ना, माइंड से जाती नहीं है। वापिस आते हैं अपने टॉपिक पे, ट्रेड यूनियन के बारे में देखते हैं बच्चे ये क्या कह रहा है। 1.609, सॉरी मैं हार गया था इसमें। इधर देखना बच्चे, कह रहा है ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार को एनुअल रिटर्न देगी, ट्रेड यूनियन विल फाइल एनुअल रिटर्न टू द रजिस्ट्रार, प्लस ऑडिटेड स्टेटमेंट्स देंगे, कॉपी ऑफ रूल्स देंगे, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज देंगे, ये सारी चीजें हर साल देंगे, राइट। लेकिन अब सुनो ध्यान से, सर कितने टाइम में देंगे यहां तो लिखा ही नहीं हुआ, देख रहे हो, ऑडिटेड स्टेटमेंट्स, कॉपी ऑफ रूल, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटी, कुछ भी नहीं लिखा, कितने टाइम में देगा। सर ये टाइम पीरियड आपके सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे लिखा होगा, याद रखिएगा, ये टाइम पीरियड कहां लिखा होगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये रजिस्ट्रार की अपनी मर्जी है कि वो कितना टाइम पीरियड देता है। सर क्यों उसको इतनी पार दी गई है, क्योंकि बेटा इंडिया में जब हम बात करते हैं ट्रेड यूनियन की, तो ट्रेड यूनियन 99% लेबर की होती है, और दूसरी बात उसका साइज कभी बहुत छोटा भी होता है और बहुत बड़ा भी होता है। समझ आ रही है बात। इंडिया में बहुत ज्यादा बड़े छोटे साइज की ये है अपनी ट्रेड यूनियन, तो सबके लिए सेम टाइम लिमिट नहीं बनाई जा सकती थी, इसीलिए ये डिस्क्रिशनरी पार किसको दे दी गई, रजिस्ट्रार को दे दी गई। जब आप उसके पास रजिस्टर करवाने जाओगे तो फिर वो आपका टर्म्स एंड कंडीशंस देखेगा, कितने लोग हैं, क्या साइज है, सब देखेगा, उस हिसाब से बता देगा जी आपको हर साल इतने टाइम के अंदर मुझे एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। क्लियर है ये बात, हमें याद रहेगा। तो इसके लिए टाइम पीरियड डिसाइड करने की डिस्क्रिशनरी पार किसके पास है, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन के पास है। डन, चले आगे। अब देखिए कह रहा, हाँ एक चीज याद रखिएगा, पूरी बात यहां पे इंपॉर्टेंट। मान लो कि हमने आज कुछ ऑल्ट्रेशन करी किसी चीज में, ठीक है, ऑल्ट्रेशन करी, जब ऑल्ट्रेशन करी 15 दिनों में रजिस्ट्रार को इंटीमेट करेंगे,
ताकि वो उनको अपने डॉक्यूमेंट्स में भी ऑल्टर कर लेगा, हाँ या ना। और जब पूरे साल के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट जाएंगे तो वो ऑल्टरेशन की कॉपी अलग से जाएगी। याद रखना, ऑल्टरेशन की कॉपी दो बार जाएगी। एक बार कब जाएगी? जब ऑल्टरेशन हुआ वहां से 15 दिनों के अंदर अंदर। दूसरी बार कब जाएगी? सर जब ये सारी रिटर्न जाएंगी इसके साथ भी ऑल्टरेशन की कॉपी दोबारा जाएगी। क्लियर है? बार समझ आ गई कहानी? देखो ना, बड़े ध्यान से समझो। पिछले साल आपने रूल्स की कॉपी दी थी, लास्ट ईयर आपने रूल्स की कॉपी दी थी, ठीक है? इधर देखिए, लास्ट ईयर आपने रूल्स की कॉपी दी थी, उसमें मान लो 100 रूल्स थे, ठीक है? डन। इस साल आपने रूल्स की कॉपी दी, दिस ईयर आपने इस साल रूल की कॉपी दी, इसके अंदर है 96 रूल्स। इसका मतलब क्या हुआ? आपने 4 रूल डिलीट कर दिए, हाँ या ना? क्या वो जब डिलीट किए तो आपने उसको बीच में इंटीमेट किया था कि नहीं? जब जब आपने डिलीट किए होंगे तब तक 15 दिनों में इंटीमेट किया होएगा। याद रहेगी ये बात? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जब भी आप ऑल्टरेशन करोगे उसके 15 दिनों में भी देनी है, और जब ये सारे डॉक्यूमेंट साल बाद एक साथ दोगे तो भी आपको ऑल्टरेशन की कॉपी दोबारा देनी है। क्लियर है ये बात? कि गया ऊपर से, ऑल्टरेशन की कॉपी कितनी बार देनी है? दो बार। पहली बार कब देनी है? ऑल्टरेशन के 15 डेज के अंदर अंदर। सेकंड टाइम कब देनी है? जब सारे डॉक्यूमेंट्स दोगे तब। सारे डॉक्यूमेंट्स कब देंगे? जो टाइम पीरियड वो बताएगा। किसमें बताएगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे बताएगा। डन जी, चले आगे। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहे जी, इंस्पेक्टर आएगा ट्रेड यूनियन के पास। इंस्पेक्टर लेबर इंस्पेक्टर होता है, राइट? वो ट्रेड यूनियन के पास आएगा। अब सुनना बड़े ध्यान से, वो ट्रेड यूनियन के पास जब आएगा तो किताबें विताबें चेक करेगा। जब वो ट्रेड यूनियन के पास आएगा तो बुक्स वगैरह चेक करेगा। वो ऐसा भी कर सकता है, अब पूरी बात सुनेगा मैं क्या कह रहा हूं। जो ट्रेड यूनियन का इंस्पेक्टर है, देखो क्या कह रहा है, इंस्पेक्टर ट्रेड यूनियन को ऑर्डर देगा रिगार्डिंग इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड रजिस्टर्स टू बी प्रोड्यूस्ड। इधर देखिए, वो कहां प्रोड्यूस करवाएगा, सुनिए बड़े ध्यान से। कहता है जी, जो इंस्पेक्टर है वो ये कह सकता है कि मैं आऊंगा आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में चेक करने, और वहां पे सारे रजिस्टर्स पड़े होने चाहिए। ऐसा कह सकता है। वो रजिस्टर्स को कहां चेक कर सकता है? रजिस्टर्ड ऑफिस में। या वो कहीं और लाने को भी कह सकता है। वो कह सकता है मैं नहीं आ रहा, आप यहां पे लेके आओ। लेकिन जो जगह वो बोलेगा वो जगह रजिस्टर्ड ऑफिस से 10 मील के दायरे में होनी चाहिए। आई रिपीट, दोबारा से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इंस्पेक्टर आपके पास आएगा और आपको बोलेगा मैं रजिस्टर्ड ऑफिस में आऊंगा, और आके वो पहले ही बता देगा कि मैं आने वाला हूं और आके मैं रजिस्टर चेक करूंगा, ठीक है? कहां चेक करूंगा? या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में चेक करेगा वो, या वो आपको कहीं और लाने के लिए बोलेगा। और जहां पर वो लाने के लिए बोल रहा है वो जगह ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर होनी चाहिए? 10 मील। अगर 10 मील से ज्यादा दूर है वो तो आप उसे मना कर दो, हम नहीं ला रहे। समझ आ रही है बात? वो ज्यादा से ज्यादा कहीं और मंगवा सकता है, तो वो जगह हमारे ऑफिस से 10 मील से ज्यादा दूर नहीं हो सकती। याद रहेगा? देखिए, अब देखो ना, आप इसको ऐसे समझो, इंस्पेक्टर, मैं जो जो वर्ड्स बोलूंगा ना वो पढ़ना, इंस्पेक्टर ऑर्डर दे रहा है। क्या दे रहा है? कि आप रजिस्टर को प्रोड्यूस करो। कहां प्रोड्यूस करो? या रजिस्टर्ड ऑफिस में या अदर प्लेस पे। वो अदर प्लेस कहां होगी? विद इन 10 माइल्स। ये वाले वर्ड देखो, देखो, इंस्पेक्टर ऑर्डर देगा ट्रेड यूनियन को। क्या ऑर्डर देगा? कि वो अपने रजिस्टर प्रोड्यूस करे। कहां पे? या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में ही मैं आऊंगा वहां दिखाए, या कहीं और भी दिखा सकती है जो जगह 10 मील से अंदर हो, 10 मील से ज्यादा दूर ना हो। क्लियर है? क्लियर है जी? अगर वो कहते जी आप 15 मील दूर दिखाओ तो आप उसको मना कर सकते हो। डन, याद रहेगा सबको? कोई डाउट इसके अंदर? डन। इसका मतलब ये हुआ कि सर इसके अंदर ये कौन सा सेक्शन था? 28, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि आपके कोर्स में 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 39, 28 ये सारे सेक्शन है। डन। सेक्शन 1 क्या कह रहा था? इंट्रोडक्शन, एक्सटेंडेड एप्लीकेबिलिटी। 2 क्या कह रहा था? डेफिनेशन। 4, 5, 6 मोड, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। 6 में रूल्स, रूल्स की बात, राइट? 9 में रजिस्ट्रेशन मिलेगा, 10 में कैंसिल हो जाएगा, 13 में स्टेटस, स्टेटस रजिस्टर होने के बाद क्या क्या स्टेटस मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, और 28 रिटर्न्स की बात कर रहा है। डन। एक बार बच्चे हम इसको ना आपके मॉड्यूल से भी देख लें। सर क्या हमने अपना मॉड्यूल इसमें कवर कर लिया है? इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, 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 यहाँ के न्यू कोर्स दिख रहा है आपको? देखना, न्यू कोर्स में हम गए एग्जीक्यूटिव मोबाइल। आप में से कितनों ने मॉड्यूल डाउनलोड किया हुआ है अपने मोबाइल में? सबके मोबाइल में होना चाहिए, बता। मोबाइल में डाउनलोड रखा करो,
मेरे मोबाइल में मैंने फोल्डर्स बना रखे हैं, पता है, सीएस एग्जीक्यूटिव का फोल्डर जिसमें पांचों सब्जेक्ट्स है, चार लॉ और एक ऑडिट जो मैं पढ़ाता हूँ, पांचों का मॉड्यूल, पांचों की मेरी बुक की कॉपी, पांचों के एग्जाम पेपर्स जितने भी आए हुए हैं वो सब के सब मैंने इसमें डाल रखे हैं। मैंने एक बार कहा बच्चे तुम लोग भी डाला करो, बच्चा कहता सर शेयर इट से दे दो, मतलब सर शेयर इट से शेयर कर दो, मतलब कभी मेहनत नहीं कर रही, एक बार देखो तो सही खोल के। हाँ ट्रेड यूनियन एक्ट देख लेते हैं, मैंने कुछ कम तो नहीं पढ़ाया। बहुत तंग कर रहा है, छोड़ नहीं खेलना देता। ये लो जी बच्चे इधर देखते हैं, इधर देखिएगा, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ये आपके इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है। मुझे जहां तक लगता है सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। देखो कि ये फेडरेशन ऑफ टू और मोर हो सकती है, इसको साइज को थोड़ा बड़ा करना। देखिए इधर फेडरेशन ऑफ टू और मोर बता चुका हूं, वर्कमैन एम्प्लॉयर, वर्कमैन वर्कमैन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, ये भी बता चुका हूं, राइट। इसके बाद कॉमन सील होगी, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, ये सब बता चुका हूं। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में रजिस्टर्ड होते हो, ये भी बता चुका हूं। ये एक्ट क्यों आया था, ट्रेड यूनियंस को रेगुलेट करने के लिए, ये बात भी बताया हमें, डन सर। इसके बाद हमने इंट्रोडक्शन सिविल क्रिमिनल केस वाला भी पढ़ लिया, कॉर्पोरेट स्टेटस लीगल स्टेटस ये भी पढ़ लिया, राइट्स लाइबिलिटीज भी पढ़ लिया, एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया भी पढ़ लिया, ठीक है। डेफिनेशन, डेफिनेशन में हमने पढ़ी एग्जीक्यूटिव की ए, ऑफिस बियरर की बी, रजिस्टर्ड ऑफिस की डी, ट्रेड यूनियन की ई, फिर ट्रेड डिस्प्यूट और ट्रेड यूनियन जी एंड एच, ये भी पढ़ लीजिए, राइट। जितना हमारे कोर्स में डेफिनेशन सारी हमने पढ़नी, कोई कम ज्यादा नहीं। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 4 पढ़ लिया, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5 पढ़ लिया, प्रोविजन कंटेनिंग इन रूल्स ये बात सेक्शन 7 में 6 में लिखी है, पर यहां दिया क्यों नहीं हुआ, हो सकता है अलग से कहीं लास्ट में लिख दिया हो, नहीं ये 6 है आपके इसमें, देखो सेक्शन का नंबर नहीं लिखा हुआ लेकिन मैंने आपको नंबर भी लिखवा दिया, सेक्शन 6 बेयर एक्ट से मैंने चेक किया होगा ना, तो 6 डाला हुआ है, आपके कोर्स में नहीं दिया हुआ। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का भी देखो कोई नंबर नहीं दिया हुआ इसमें, मैंने क्या डाला है 9 है ना, इसमें 8 लिखा हुआ है, गलत है ये। इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, जब आप इनकॉर्पोरेट हो जाओगे तो सेक्शन 13 ये भी बता चुका हूं, कैंसिलेशन सेक्शन 10 ये भी बता चुका हूं, उसके बाद रिटर्न सेक्शन 28 राइट, और यहां पे वो 10 मील वाली बात, अच्छा ये हुई रिटर्न, वो 10 मील वाली बात कहां गई, ये रहा एट अ डिस्टेंस, नो सच प्लेस एट अ डिस्टेंस मोर देन 10 माइल, क्लियर है। ये 15 दिन वाली बात भी मैं बता चुका हूं, एनी डाउट इन दिस, तो इसका मतलब जितना हमारे कोर्स में चैप्टर है पूरा का पूरा मैंने करा दिया, डन, क्लियर है ये बात, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। अभी देखिए, अब अगर हम इसको पूरा का पूरा रिवाइज करते हैं फिर उसके बाद एमसीक्यू करेंगे, ये रही सेक्शंस के लिस्ट, देखो सेक्शन नंबर 1 एक्सटेंडेड एप्लीकेबिलिटी, पूरा रिवाइज कर रहे हैं स्लो मोड पे, राइट, सिर्फ सुनना जवाब मत देना, या आप में से कोई बच्चा आगे आके रिवाइज कराना चाहे हेल्प मैं करूंगा, एक ही हाथ खड़ा हो रहा है, और कोई आएगा, एक बच्ची ने हाथ खड़ा किया मैं आगे आके रिवाइज करा सकती हूँ, और कोई नहीं, मैं उसको होम ट्यूशन दे रहा हूं, आ जा बेटा आगे आ जा, याद हो गया आपको साथ साथ, आ जाओ थोड़ा इधर आके लाउडली, ये बोलता है कि जो ट्रेड यूनियन एक्ट है सबसे पहले 25 मार्च 1926 को आया था, उसके बाद ये होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल है। सेकंड वन की बात करते हैं एक्सटेंडेड एप्लीकेबिलिटी में सबसे पहले क्या है, ये डील करता है राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी रजिस्ट्रेशन एंड ड्यूटीज ऑफ ट्रेड यूनियन। उसके बाद ये कहता है कि ये ट्रेड यूनियन को एक कॉर्पोरेट स्टेटस देता है, कॉर्पोरेट स्टेटस देता है, तो इसके पास कौन कौन सी फीचर्स आती हैं,
under the act, perpetual succession, separate entity, and can be same CEO and can be CEO in this only. इसके बाद ये कहते हैं कि एक्सटर्नल एक्टिविटी में इसके बाद डील करता है कॉर्पोरेट स्टेटस देता है और सिविल और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अगर कुछ होता तो मतलब कि सिविल ये प्रोटेक्ट करता है सिविल और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से क्रिमिनल को। और एक पॉइंट और रह गया अभी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कि फंड जो है जो ट्रेड यूनियन का फंड है उसको कहाँ कहाँ लगाया जाएगा। डन आगे 2A या 2 क्लॉज है? 2 क्लॉज है। एग्जीक्यूटिव की बात करता है, एग्जीक्यूटिव में टॉप लेवल के मैनेजमेंट की बात होती है। तो बी ऑफिस बेयरर, टॉप लेवल के ऑफिस बेयरर में कौन नहीं आता? ऑडिटर नहीं आता। ठीक है। 2D रजिस्टर्ड ऑफिस की बात करता है। रजिस्टर्ड कहाँ? ये ऑफिस बेयरर ऑफिस सॉरी ट्रेड यूनियन की रजिस्टर्ड ऑफिस की बात करता है। 2 क्लॉज ई बात करता है रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की, जो भी रजिस्टर्ड है अंडर द एक्ट उसकी बात करता है। 2E के बाद 2G वो बात करता है कि ट्रेड डिस्प्यूट, तो कौन कौन से डिस्प्यूट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की और एम्प्लॉय एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय की। 2H बात करता है ट्रेड यूनियन की, इसमें कहता है कि ट्रेड यूनियन परमानेंट और टेम्प्रेरी इस्टेब्लिश हो सकती है। ये रेगुलेट करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को, एम्प्लॉय एम्प्लॉय के और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के। लास्ट ये कहता है कि ये फेडरेशन ऑफ 2 ट्रेड यूनियन भी हो सकता है, 2 ट्रेड यूनियन एसोसिएट होके भी एक 2 या 2 और मोर 2 और 2 मोर। इसके बाद सेक्शन 4 मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसमें आपको एप्लीकेशन और आपके रूल्स की कॉपी देनी पड़ती है रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन को, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन को, जिसमें कम से कम 7 सब्सक्राइबर ने सब्सक्राइबर होने चाहिए और जो एप्लीकेशन है वो एस्टेब्लिशमेंट में जितने एम्प्लॉय हैं उसके 110 और 10 व्हिचएवर इज लेस और 100 सॉरी 110 और 100 व्हिचएवर इज लेस। सेक्शन के बाद मैम वो जो 7 लोगों के साइन होने चाहिए वो कहाँ होंगे? वो रूल कॉपी ऑफ रूल्स, कॉपी ऑफ रूल्स। ठीक है। सेक्शन 9 बात करता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की, मतलब कि जो रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन है उसको हमने 3 चीजें दी हैं, एप्लीकेशन कॉपी ऑफ रूल्स एंड स्टेटमेंट। उस अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो रिटर्न में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा। सेक्शन 13 बात करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ये कहता है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ गया तो आपको आपका जो स्टेटस है वो कॉर्पोरेट स्टेटस होगा जिसमें आपको बेनिफिट मिलेंगे, बता दीजिए। वही फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिए। आगे इसके बाद सेक्शन 5 बात करता है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन को दी जाती है, कौन देता है 110 ऑफ एम्प्लॉयिंग एस्टेब्लिशमेंट और 100 व्हिचएवर इज लेस। क्या क्या जाएगा उसके साथ? कॉपी ऑफ रूल, एप्लीकेशन और स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आएगा? स्टेटमेंट के अंदर आएगा हेड ऑफिस, हेड ऑफिस का नाम, हेड ऑफिस का नाम, सब्सक्राइबर की डिटेल और जिन लोगों ने ऑफिस बेयरर की डिटेल। उसके बाद अगर आपकी एस्टैब्लिशमेंट मतलब आपको जनरल स्टेटमेंट ऑफ सर्टेन लाइबिलिटीज भी देनी है, अगर आपकी एस्टैब्लिशमेंट इन एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन 1 ईयर, एस्टैब्लिशमेंट या ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन, अगर आपकी ट्रेड यूनियन इन एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन 1 ईयर है, मतलब आप आज रजिस्टर करा रहे हो लेकिन आपने पहले भी अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन चलाई हुई है। ठीक है, आगे इसके बाद सेक्शन प्रोविजन टू बी कंटेन द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन, क्या क्या आएगा उसके अंदर? प्रोविजन कौन कौन से? नेम, पर्पस, किसका नेम, नेम ऑफ योर ट्रेड यूनियन, पर्पस ऑफ योर ट्रेड यूनियन, मेंबर्स जो सब्सक्राइब कर रहे हैं ट्रेड यूनियन के उनका नाम। उसके बाद मेंबर्स और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड की बात होगी। उसके बाद अमेंडमेंट हुई है कोई रूल्स में तो उसकी बात होगी। अमेंडमेंट हुई नहीं है, अमेंडमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, डिसॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे,
डायरेक्टर्स को या ऑफिस बेयरर्स को कैसे अपॉइंट और रिमूव किया जाएगा, और पीरियड ऑफ ऑफिस बेयरर 3 इयर्स है, उसके कैंसिल, उसका टेन्योर पीरियड कैंसिल करना है, रिजॉल्व करना, उसको फिक्स करना, मतलब मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है, 3 इयर्स है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन मैनर ऑफ ऑडिट भी है। हाँ, इसमें मैनर ऑफ ऑडिट डन। आगे कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन को एप्लीकेशन देंगे कैंसिलेशन करने के लिए, कैंसिलेशन कब कब हो सकती है, जब आप एप्लीकेशन दोगे, जब नंबर ऑफ, हम खुद बोल रहे हैं या जब जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट है वो फॉल्स बिलो 100 और 1/10 ऑफ एप्लीकेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट ब्रेक हो गई, और उसके बाद अगर फ्रॉड भी आपने फ्रॉडमेंटली अपने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्वायर किया था, और उसके बाद आपने रूल्स तोड़ दिए, तब रूल्स तोड़ दिए, एक और सीज़ेस टू एग्जिस्ट जिस पर्पस के लिए आपने बनाई थी अब वो पर्पस फुलफिल नहीं हो सकता। डन। आगे लास्ट रिटर्न ऑफ ट्रेड यूनियन, रिटर्न ऑफ ट्रेड यूनियन में क्या क्या जाती है, कॉपी ऑफ रूल्स जाते हैं आपके, जनरल स्टेटमेंट जाती है आपकी, और इसके साथ कॉपी ऑफ रूल्स, जनरल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न, कॉपी ऑफ रूल स्टेटमेंट, इसके अलावा बैलेंस शीट वगैरह, एसेट्स एंड लायबिलिटीज जाती है, और ऑल्टरेशन की कॉपी जाती है, लेकिन ऑल्टरेशन की कॉपी तब भी गई होगी जब आपने ऑल्टर किया होगा, तब कितने टाइम में गई होगी, 15 डेज। अभी टाइम पीरियड नहीं लिखा, कितने टाइम में जाएगा, कौन बताएगा, रजिस्ट्रार कब बताएगा, एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। डन। इंस्पेक्टर ऑर्डर कर सकता है ट्रेड यूनियन को इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफ रजिस्टर को यूज करने के लिए, कहाँ पे, रजिस्टर ऑफिस में, या फिर 10 माइल्स विद इन, जो भी आप कोई और प्लेस जो 10 माइल्स ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस से दूर नहीं होनी चाहिए, उसकी के डायमीटर में होनी चाहिए। डन। थैंक यू जी, परफेक्ट हो गया जी, हमारा काम खत्म। अब एक बार हम आ जाते हैं अपने MCQs पे। लेबर लॉ ILGL काम ये रही। बच्चे कौन से पेज पे मेरी बुक के, 67 नॉट रिस्पॉन्डिंग पहले। ये रहा, एक बार इनको पढ़ लेते हैं बच्चे ध्यान से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ट्रेड यूनियन एक्ट वॉज इनएक्टेड इन द ईयर 1926। It was to regulate relation between employer, workman, all of the above, right? Third, the objective of trade union is to protect interest of employer, employee, member या public? मुझे personally लग रहा है members होना चाहिए, ये public का interest है या उसके members का interest है? पीछे देखो क्या दिया हुआ है, members ही दिया हुआ यार, public दिया हुआ, members ही होगा ना भाई। trade union अपने members का ध्यान रखेगी, उसे public से क्या मतलब है, right? Which of the following is false? It carries perpetual succession. ये तो true है. It has a common seal. Right? It is not a body corporate. ये false है. Done? अच्छा, this act deals with fourth वाला. अच्छा, रह गया. Trade union is a trash association. Voluntary association. यार, कोई mandatory थोड़ी है. Gun point पे थोड़ी बनवा रहा है. Section, question 6. Trade union 1926 deals with रजिस्ट्रेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स, लायबिलिटीज, ऑल। इट प्रोटेक्ट ट्रेड यूनियन फ्रॉम सिविल, क्रिमिनल, बोथ। इट इज एप्लीकेबल टू यूनियन ऑफ वर्कर, एम्प्लॉयर, ट्रेडर, या ऑल। द टॉप लेवल इज नोन एज एग्जीक्यूटिव, मेंबर्स ऑफ टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव, ऑफिस बियरर, डी, राइट। ओके जी, क्वेश्चन तो पढ़ने दो। मेरे किसी स्टूडेंट के पता लेबर लॉ में 89 से ज्यादा नहीं आया यार, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी के 89 से ज्यादा आए। मेरे स्टूडेंट के आज तक लेबर लॉ में ILGL में हाईएस्ट कितना है, 89। लास्ट अटेम्प्ट में किसी के आए थे 87, लास्ट अटेम्प्ट में, लेकिन वो 87 89 से बेटर है पता, क्योंकि जिसके 89 आए थे तब पहली बात तो पहला दूसरा अटेम्प्ट था, इजी इजी पेपर आया होगा, दूसरी बात तब नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। अभी वाले जो 87 है वो उस 89 से फार बेटर है, क्योंकि अब ना 4-5 अटेम्प्ट हो चुके हैं MCQ आते हुए,
अब वो अंदर अंदर से क्वेश्चन निकालने लगे, समझ रहे हो। अगर आपको पता हो तो लेबर लॉ का जो लेवल है एग्जाम का, वो अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट टफ होता जा रहा है, ये फैक्ट है। आई एम वेटिंग कि कोई 100 में से 100 लाए। हंसते हो यार, आते नहीं है? आते हैं यार, आते हैं। मैं एक जमाने में सीपीटी पढ़ाया करता था तो 40 में से 40 लॉ के कई बार आते थे क्लास में, पता नहीं कितने बच्चों के 40 में से 40 आते थे, पर वो फाउंडेशन लेवल है। ऑफिस बेयरर डज नॉट इंक्लूड ऑडिटर। ऑफिस बेयरर मींस मेंबर ऑफ ऑफिस, मेंबर ऑफ बेयरर, मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव। सी, इट कवर्स डिस्प्यूट बिटवीन ऑल। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इज डिफाइंड अंडर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, सोचना पड़ेगा। टू क्लॉज ई, रजिस्ट्रेशन ऑन एप्लीकेशन टू बी सब्सक्राइब बाय 7 सब्सक्राइबर। इट नो कैन बी रजिस्टर्ड इन सच इफ इज नॉट लेस देन डैश, क्या आएगा 10% और 100 विच एवर इज लेस, ये आएगा ना बी। बी, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन यूनियन स्टेटमेंट ऑफ एसेट मोर देन 12 मंथ, मोर देन 1 ईयर, ये सेम क्वेश्चन है, मंथ और ईयर करके दिया हुआ है। एप्लीकेशन शेल बी मेड अंडर सेक्शन नंबर 5, 4 तो मोड का है, याद है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शेल बी ग्रांटेड बाय रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 9, राइट। इसमें भी मैंने 9 ही दिया हुआ है, देखना है ना, वो 8 उसमें आपके मॉड्यूल में गड़बड़ है। रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन मे कैंसिल इफ एप्लीकेशन इज रिसीव बाय ये गलत लिखा है, यहां लिखो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ये गलत है, इसको काट दो। एप्लीकेशन इज रिसीव्ड बाय रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन रिस्काइंड इट्स ओन रूल, सर्टिफिकेट हैज बीन ऑब्टेन बाय फ्रॉड, एनी ऑफ द अबव, ये कर लिया ठीक काट के। रिसीव बाय, यहां ऐसे आएगा एप्लीकेशन इज रिसीव बाय रजिस्ट्रार, लिख लो ना एप्लीकेशन इज रिसीव बाय रजिस्ट्रार, ऐसे लिख लो, ठीक है। एनुअल रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय ट्रेड यूनियन एज पर सेक्शन, ईयर एंडिंग डेट क्या होगी, अब ये ना इसमें दिया हुआ है 31 मार्च है शायद, देखना 31 मार्च ही दिया हुआ ना कि 31 दिसंबर है, दिसंबर है, मार्च नहीं है, दिसंबर है, यस यस यस, ये आपके मॉड्यूल में भी दिया होगा 31 दिसंबर है, मेरी बुक में भी दिया होगा 31 दिसंबर होती है ट्रेड यूनियन की डेट, यस। ये एक्चुअली में पहले जो था ना डेट्स का सीन, ये 31 मार्च हुआ करती थी, 1998 में अमेंडमेंट आई थी, उसके बाद इसको दिसंबर किया गया था 1998 में, एक राजीव दीक्षित नाम के बंदे थे वो लाए थे अमेंडमेंट। ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट शेल बी फाइल टू रजिस्ट्रार इन ऑल्टर्ड कॉपी 15 दिन। टेन्योर ऑफ ऑफिस बेरर 3 ईयर। एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इज अंडर ऑब्लिगेशन 10 माइल। डैश इनकलकेट द सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग वर्कर्स ट्रेड यूनियन। देखो इधर समझो ध्यान से, डैट डैश इनकलकेट द सेंस ऑफ डिसिप्लिन, प्रैक्टिकली बात करते हैं। ये तो चलो आपने रट लिया ट्रेड यूनियन चैप्टर, वही पढ़ रहे हैं वही होगा, बाकियों का मतलब पता है? स्टैंडिंग ऑर्डर तो आपको पता है, मैंने पढ़ाया था चैप्टर। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं? जो एम्प्लॉयर रूल फ्रेम करता है जिसको एम्प्लॉयज फॉलो करते हैं, मालिक ने रूल बनाया लेबर फॉलो करेगी। लॉ कहता है हफ्ते में एक छुट्टी देनी है एम्प्लॉयज को, मैं कहता हूं हमारे यहाँ वेंसडे ऑफ बंद रहेगा, कहीं कहते हैं मंडे बंद रहेगा, कहीं संडे, ये मर्जी होती है ना मालिक की वो किस दिन छुट्टी दे, जो उनकी मार्केट का ट्रेंड है, राइट। तो मतलब जो रूल मालिक बनाता है अपने एम्प्लॉयज को फॉलो करने के लिए, टू बी फॉलोड बाय एम्प्लॉयज, उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग ऑर्डर, राइट। वर्कर्स कमिटी और क्वालिटी सर्कल, अब सुनना, वर्कर्स कमिटी खाली वर्कर्स की है, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्वालिटी सर्कल पता है क्या होता है? क्वालिटी सर्कल होता है एक ऐसी बॉडी जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से 2 डायरेक्टर्स, लेबर में से 3-4 लीडर, और फिर मिलके पॉलिसी बनाते हैं। आप प्रैक्टिकली सोचो ना इधर ध्यान से, मालिक ने अपनी लेबर को कुछ बोलना है, लेबर को वो कुछ भी नया बोलेगा ना तो लेबर हमेशा हुल्ला करेगी। तो पहले मालिक के कुछ रिप्रेजेंटेटिव लेबर के कुछ रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं, फिर लेबर के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अपनी लेबर को जाके पहले से ही समझा देते हैं कि ऐसे ऐसे मालिक करने वाला बड़ी अच्छी चीज है, फिर जब ओनर बोलता है तो लेबर रेजिस्ट नहीं करती, समझ आ रही है बात। तो इस कॉन्सेप्ट को बोला था क्वालिटी सर्कल, लिखना तो लिख लो क्वालिटी सर्कल का मतलब। इसको क्वालिटी सर्कल को सिंपल भाषा में बोलूं, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। क्वालिटी सर्कल मींस वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ओके जी, किसी को कोई डाउट?